राजीव जी बत्रा जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार राजीव बत्रा जी। सर बढ़िया सर। सब बढ़िया। तो सामने का आज तो टाइम से खुल गया और आ गया, नेट भी ठीक आ रहा है। मैंने सारा नेट अच्छा बदल दिया घर का, हैथवे का हाँ चेंज बताया था आपने। दूसरा लगवाया। अभी आराम से नीचे ही क्लास हो जाती है। हाँ सही है। अच्छा अभी स्टार्ट करें? हाँ कर दो, टाइम तो वही है वैसे। बहन जी पधार रहे हैं, शशि प्रभा जी आज शायद नहीं आएंगे, वो कुछ बिजी मैडम हैं अभी मेरे नहीं ख्याल आई। से। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं अभी निजात बात करता हूँ कांडपाल उनसे। जी आ गए हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैडम चौधरी हैं, आयशा चौधरी, और ये कौन है, बाबुल पांडे। ठीक है, आज का विषय तो आप लोगों को पता ही है, वैदिक सोसाइटी। जो हमारा समाज है LA कौन है, LA प्रोफेसर साहब दिखाई दिए थे मुझे, शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव। अच्छा ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवदिष्यामि वदिष्यामि तन्मामभतु तद्वक्तारमभतु अवतु मामभतु वक्तारम्। यम ब्रह्म वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यैः स वै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो स्यान्तं न विदुः सु नमः देवम् च पिता
मेरा आवाज कट रही है आपकी। हेलो, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हेलो सर, वी आर नॉट एबल टू लिसन वॉइस प्रॉपरली। नेटवर्क टैप कट गया, अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे। ब्रेकिंग हो रही है वॉइस। हाँ नेटवर्किंग क्यों है, दोबारा जी, ज्वाइन कर रहे हैं। आ गया आ गया आ गया आ गया, वो थोड़ा सा नेट चला गया था। हाँ ये ठीक है। सभी सम्मानित साथियों, आज का विषय है वैदिक सोसाइटी, वैदिक काल का समाज। जैसा कि आप लोग और हम लोग वर्तमान विज्ञान के हिसाब से पढ़ते हैं कि जो सामाजिक डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, वो क्रमशः हुआ और मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, पशुओं के समान आचरण करता था और शिकार करता था। ऐसा सारा लोगों को पढ़ाया जाता है, जितनी सभ्यताएं दुनिया की पढ़ाई जाती हैं उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन हम जब वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि वैदिक कालीन जो सोसाइटी थी, दैट वाज टू अपडेट, बहुत उन्नत थी। और उस उन्नतता के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हाँ, वर्तमान समाज का जैसा ढांचा हमको दिखाई देता है, तो उस काल का ढांचा थोड़ा इससे डिफरेंट है। जैसे आजकल हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। एक कहावत आपने सुनी है, ज्यों गधे की लात में लात, लात में लात, ज्यों केलन के पात में पात, पात में पात, ज्यों कबियन की बात में बात, बात में बात, क्यों हिंदुन की जात में। जात जात एक हिंदू बन गया, आर्य समाज वालों ने शुद्ध कर लिया और नौकरी दे दी। तो उसने पूछा कि भाई आपका नाम, तो जो नाम उन्होंने रखा था बता दिया, कोई तो ब्राह्मण है आप, बोले कौन से ब्राह्मण है, तो उसको उन्होंने रखा था उसमें गौड़, बोले गौड़ में कौन हो, तो बोला या खुदा गौड़ में भी गौड़। तो हमारे यहाँ स्थिति यह है कि सारा समाज जाति में, भाषा में, क्षेत्रवाद में इस कदर बटा हुआ है कि इतना कठिन है इनको इकट्ठा करना। और उस तरह की भावनाओं को जब कभी भी कोई उद्वेलित करता है तो पूरा समाज जो है वो उद्वेलित हो जाता है। तो आज हमें यही बात आपके सामने रखनी है कि वैदिक समाज जाति आधारित नहीं था। ये जो वैदिक समाज के दो मुख्य बिंदु थे, एक था वर्ण व्यवस्था और दूसरा बिंदु है आश्रम व्यवस्था। हमारे समाज को सही से संचालित करने के लिए वर्ण व्यवस्था एक बहुत मूल्यवान बिंदु था, लेकिन वही आज वो सबसे मूल्यहीन बिंदु हो गया। जब वर्ण का की व्यवस्था जाति में बदल गई तब बड़ा कठिन हो गया। आज मंदिर में जाने पर
किसी सामाजिक संगठन में जाने पर, और उसमें जाति को ढूंढते हैं उस बिंदु का। तो हमारे जो वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में जो विभाजित थी, उसका जो बेस था, उसका जो आधार था, वो जन्मना नहीं था। तो जिस जन्म में जो व्यक्ति पैदा हो गया उस वर्ण का है, नहीं था, बल्कि वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो कर्मणा था, गुणेन था। यथा चतुर्भिः कणकम् परीक्षते निकर्षण छेदन रापतारणैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते गुणेन शीलेन ज्ञानेन शीलेन गुणेन कर्मणा। तो हम आदमी की परीक्षा करते थे उसके चरित्र से, उसके गुणों से, उसके ज्ञान से, ज्ञानेन शीलेन गुणेन कर्मणा। तो ये गुणकर्म के आधार पर हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। मैंने चारों वर्ण बनाए हैं और उन चारों वर्णों को गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किया है। वस्तुतः ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसका एक बड़ा अद्भुत स्वरूप था। आप सोचेंगे कि ब्राह्मण के कुल में बच्चा पैदा होता था तो क्या उसको कोई शूद्र कर सकता था? कर सकता था, उसके करने का अधिकार किसको था? वो जरा सोचने की बात है। जब आश्रम व्यवस्था में आपको बताऊंगा तो उसमें सारा डिटेल आपको दूंगा। जब समावर्तन संस्कार हो गया, गुरु के यहां से पढ़ाई पूरी हो गई, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद, स्नातक होने के बाद जब गृहस्थ में जाने के लिए निकला, गुरु जी जैसे आप यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है, वो देती है कि ही है पास साइंस इंजीनियरिंग, तो उसको इंजीनियर का डिग्री दे दी, जैसे मेडिकल साइंस या उसको डॉक्टरी की डिग्री दे दी। इस तरह से समाज को चार जगह में बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हमारे लोगों ने वेदों का ढंग से अध्ययन नहीं किया और उसका प्रचार प्रसार भी ठीक नहीं किया, इसलिए बहुत गलत संदेश चला गया। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः रू तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ये वेद मंत्र है। इस वेद मंत्र में कहा ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, तो लोगों ने उसका अर्थ कर लिया कि ब्राह्मण रूप से पैदा हुआ। ये अर्थ नहीं है। ब्राह्मणो मुखम आसीत, ब्राह्मण समाज का मुख था। आप मुंह में प्राण लगा दो मुख में तो क्या बन गया? प्रमुख। प्रमुख का मतलब क्या है? हेड ऑफ द सोसाइटी। हाउ टू रन द सोसाइटी, कैसे ये समाज चलेगा, और उस समाज के संचालन के लिए एक व्यवस्था दी। आज भी है वो व्यवस्था। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे यहां, उनको ब्राह्मण की संज्ञा दी। जो प्रमुख हैं, खूब अच्छे से पढ़ गए हैं, दूसरे का मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, वो ब्राह्मण है। लेकिन ऐसा नहीं, जो डॉक्टर बन गया, जो इंजीनियर बन गया, काफी पढ़ा लिखा भी हो गया, सोसाइटी को लीड भी कर रहा है, पर वो अपने नाम के आगे अपने जातिवाचक शब्द लेकर के तय कर रहा है कि मैं जो कुछ भी पढ़ने गया हूं लेकिन मैं वही हो जा था। हालांकि कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ रूढ़ियां धीरे धीरे, जो नौजवान है, नई पीढ़ी है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बदल रहे हैं। शादियों में, विवाहों में और कई चीजों में, लड़का अगर डॉक्टर हो गया, लड़की डॉक्टर हो गई, तो उसकी जो एबिलिटी है वो तय कर देती है कि वो अपने किसी डॉक्टर से शादी करेगी। हम कुछ नहीं कर सकते, यही तो गुण कर्म का मिलाना था। हमारे ऋषियों ने यही बात कही कि गुण कर्म के आधार पर समाज का डिवीजन करना है। तो बिल्कुल ठीक बात है, डॉक्टर लड़की के लिए, डॉक्टर लड़का है तो वो बिल्कुल सुयोग्य वर है। और ये अब हम क्या ढूंढ रहे हैं,
अब डॉक्टरों में ढूंढेंगे कि वो जो है गुप्ता जी तुम है तो वो भी गुप्ता जी हो, आप शर्मा जी हैं तो वो भी शर्मा जी हो। देखो दोनों बातें मिल जाएं, अगर जन्मना संस्कार और कर्मणा, तो वो एक संयोग की बात है, लेकिन मूल जो मेल है वो कर्म का ही है। इसलिए जातिवाद का जो विष था वो बहुत देर से आया। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था ही थी, सारे विवाहों को आप पूरा इतिहास पढ़ के देखेंगे पुराना, तो कहीं भी जाति टिकती नहीं है। जाति का मतलब क्या है? तो हमारे शास्त्रों में जाति की बड़ी परिभाषाएं की हैं। लिंग भेदात जाति ही, जैसे स्त्री एक जाति है और पुरुष एक जाति है। इसको संस्कृत में या दर्शन की भाषा में कहते हैं सामान्य, और सामान्य तीन तरह का कहा है, पर सामान्य, अपर सामान्य और सत्ता सामान्य। यानी कि समानता तीन प्रकार की है। कुछ ऐसी समानता है जैसे मनुष्य एक जाति है तो मनुष्य बड़ी जाति है, जिसके अंदर स्त्री जाति है, जिसके अंदर पुरुष जाति है, ये सारे मनुष्यत्व के अंदर आते हैं। तो जब मनुष्यत्व एक जो है वो सत्ता जाति हो गई, उसके अंदर अपर जाति हो गई हमारी, यानी कि मनुष्यों की, नारियों की, अब उसी में बच्चा एक हो गया तो वो एक और अपर हो गया। तो पर, परापर और अपर, अपर जाति। तो ये जो जाति का मतलब है सामान्य, समान नियम जब दिखाई देते हैं किसी में तो वो जाति का सूचक होता है। और समान का मतलब क्या है? वेदादि शास्त्र का वेत्ता आप भी हैं, वेदादि शास्त्र का वेत्ता मैं भी हूं, हम दोनों ब्राह्मण हैं। और ये जो ब्राह्मण शब्द है इसका मतलब क्या है? कहते जो ब्रह्म में गति रखता है। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म के चार अर्थ हैं। ब्रह्म का एक अर्थ है परमेश्वर, एक दूसरा अर्थ है वेद, ब्रह्म मानी वेद, और एक तीसरा अर्थ है वो है ज्ञान, नॉलेज। एक चौथा अर्थ है वीर्य। इसका मतलब ब्राह्मण वो है जो परमात्मा में विश्वास करता है, जिसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है, वो ब्राह्मण का पहला लक्षण है। ब्राह्मण का दूसरा लक्षण है कि वो वेद का जानकार हो। अब आजकल समाज में क्या है? द्विवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, पाठक हैं, त्रिवेदी हैं, तिवारी हैं, ये सब ब्राह्मण कण का अपना दंभ अहंकार मन में रखते हैं। लेकिन तिवारी जी को ये पता नहीं कौन कौन से तीन वेद हैं, चतुर्वेदी को नाम नहीं मालूम वेदों के, तो वो कैसा ब्राह्मण है? इसका मतलब है जो वेद नहीं जानता वो ब्राह्मण नहीं है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो ब्राह्मण नहीं है। और तीसरी बात, जिसकी ज्ञान के प्रति निष्ठा नहीं है वो भी ब्राह्मण नहीं है। जो ज्ञान के प्रति सदा आजीवन जीवन के अंतिम क्षण आखिरी दिन तक जिसकी वृत्ति जो ये, और चौथा है संयम, ब्रह्मचर्य वीर्य। तो अपने जीवन में संयम रखेगा तो वो लीड करेगा समाज को, तो ये चार चीजें देगा, समाज को आस्तिक बनाएगा, समाज को वेदानुकूल बनाएगा, समाज को ज्ञान के प्रति अरुण करेगा, समाज को सही में बनाएगा। ब्राह्मण उससे मुखम आसीत, तब वो प्रमुख होगा, मुख होगा। वो जो है वो बल का प्रतीक है। इसका मतलब है क्षत्रिय वो है जो रक्षण का काम करता है, जो प्रशासन का काम करता है, जिसका ऑर्डर दूसरे को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाजू में दम है। वो जो कहेगा दूसरे को मानना पड़ेगा, जिसके बाजू में दम नहीं है वो क्षत्रिय होने का अधिकार ही नहीं है। इसका मतलब क्षत्रिय में बलशाली होना बहुत आवश्यक है। रक्षा की वृत्ति, बलशाली का मतलब ये नहीं है कि मैं एक मुक्के से उसको बिठाऊंगा वो बलशाली है। बलशाली का मतलब है आप अपने बल का प्रयोग समाज की रक्षा के लिए करें।
हाउ कैन सेव द सोसाइटी, कैसे समाज की रक्षा होगी। इस रक्षा के प्रक्रिया को समझने वाला और चलाने वाला, यानी प्रशासनिक कार्य और रक्षा का कार्य, ये दोनों कार्य जो हैं वो प्रमुख रूप से क्षत्रिय के कार्य हैं। उसने कहा बाहु राजन यज्ञ, कहते उरु तदस यद वैश्य। और वैश्य जो है वो उरु जंगाओं की तरह, उदर की तरह, हृदय से लेकर उदर तक का सारा काम, यानी पेट भरने का काम, व्यापार, कृषि, ये सारे काम जो करता है और सारी सोसाइटी को चलाता है वो वैश्य है। पदभ्यांग शूद्र हो जाए, और पैर जो है वो श्रम का प्रतीक है, परिश्रम। तो तप, श्रम, ये सारा सेवा, जब ये काम आदमी पढ़ लिख कर विद्वान नहीं बन पाया, बाजुओं में दम नहीं है जो देश की रक्षा कर सके, उतना पौरुष नहीं है, और व्यापार भी वो नहीं कर सकता है, तो फिर वो सेवा करेगा। आपको याद हो, मुझे याद है, मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था तो वहां एक रोटी बनाने वाला होता था, उसका नाम होता था महाराज। महाराज जी भोजन बना, क्या मतलब है इसका? वो कहते ब्राह्मण होगा, भोजन बनाएगा, शुद्धता का ध्यान रखेगा। तो आप जरा ध्यान, जाति का उन्होंने हिसाब लगाया, लेकिन हमारे यहाँ उसकी संज्ञा शूद्र रही है। सेवा का कार्य जो कर रहे हैं, सफाई सुथराई, भोजन बनाना और जितने भी काम हैं, वो इस तरह के काम जो समाज की सेवा के काम हैं, और जो बुद्धि के काम नहीं है, जो बाजू का काम नहीं है, जो पेट भरने के लिए उद्योग का, कृषि का काम नहीं करता है, कहते हैं वो जो श्रमिक है उसका नाम शुद्ध है। इसको हमने जाति में ले लिया। और वेद पर और मनुस्मृति आदि पर लोगों की आस्थाओं को उड़ा दिया। हम व्याख्या ठीक से नहीं की हमने, और व्याख्या ठीक से नहीं करने का रिजल्ट ये हुआ कि सोसाइटी बट गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वर्ण व्यवस्था वैदिक समाज का एक अंग था। अब मैं आपको वो प्रमाण देता हूं जिसमें ब्राह्मण का शूद्र से कैसा संबंध था। ये हमसे क्यों नाराज हुए? इसलिए नाराज हुए कि आपने उन्हें अस्पृश्य घोषित कर दिया। अरे हम सब लोग अपना मलमूत्र स्वयं स्वच्छ करते हैं, तो क्या हम शूद्र नहीं होते? हम भी होते हैं उस काल में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्वच्छता का काम कर रहा है वो व्यक्ति अस्पृश्य है, त्याज्य है समाज में। मैं आपको कुछ मंत्र आपको सुनाता हूं। वैसे तो वेद में आया है कि वेद पढ़ने का अधिकार। मैं तो जब भवन में आया नया नया, तो हमने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ आरंभ किया तो हमारे पास साउथ इंडियंस भी हैं थोड़े से। उन्होंने मुझसे कहा कि ये आर्य साहब, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं? बोले आपने तो लेडीज को बिठा लिया आपने। तो हमने कहा सो शास्त्र में तो नियम है, नारी ब्रह्मा, स्त्री ब्रह्मा बहुविध, स्त्री ब्रह्मा बनेगी। तो उन्होंने बड़ी नाराजगी प्रकट करते कहा कि नहीं, वेद तो नहीं पढ़ सकते। वी आर नॉट एबल टू लिसन वॉइस। हमने यज्ञ शुरू किया, और उस दिन यज्ञ का ब्रह्मा जो ब्रह्मा जो सर, थोड़ी प्रॉब्लम आ हेलो, रही है, आवाज कहिए। बीच बीच में रुक रही है सर, आवाज बीच बीच में रुक रही है। आवाज आ रही आवाज है? नहीं आ रही है। हाँ जी, आवाज आइए सर, पर एक एक दो दो सेकंड के लिए सर बीच में
बंद हो जाती है बिल्कुल। को नेटवर्क चला गया शायद, तो तो कुछ कुछ गड़बड़ हो अब रहा आइए है। जी, आगे आगे मुझे आप अब पता चल आइए। रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे वो मेरे एक्शन से पता चल जाता है ना, जब वो एक्शन बंद हो जाता है तो लगता है कुछ तो आवाज नहीं जा रही। तो मैं आपको बता रहा था, महिलाओं को नारी ब्रह्मा बभूवितः, स्त्री ब्रह्मा बभूवितः, स्त्री जो है वो यज्ञ की ब्रह्मा हो सकती है। हमारी पुरानी वैदिक काल में महिला का बहुत सम्मान था। ऋषिकाएं वेद के ऋचाओं को जिन्होंने साक्षात्कार किया, साक्षात्कृत धर्माणा ऋषयो बभूव, जो जिन्होंने वेद के मंत्रों का साक्षात्कार किया उसका नाम ऋषि था। ऐसी ऋषिकाएं ऋग्वेद में भरी पड़ी है। मैंने अभी एक पुस्तक लिखी है, वेद के देवता। इससे जब तक लॉकडाउन था और जब से ये घर से क्लासें कर रहे हैं, तब तो टाइम बहुत है हमारे पास, तो हमने एक पुस्तक लिख दी कि हमारी संस्कृति में देवता का स्वरूप क्या है। 350 पेज की, वो तो बहुत बड़ी हो सकती है अगर सारे देवताओं को विश्लेषण किया जाए। पर हमने जो मुख्य मुख्य देवता उसमें लिए हैं, पृथ्वी स्थानीय अंतरिक्ष स्थानीय देवता, प्रतिनिधि देव लिए हैं, तो अभी वो 325 पेज की हो गई। तो हमारी जो संस्कृति है ये बड़ी, जिसे कहें समृद्ध, रिच कल्चर है वैदिक काल से। तो मैं इसलिए आपको बता रहा था, यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजनाभ्याम शूद्राय चार्याय चारणाय, ये वेद का मंत्र है। इसमें प्रभु स्वयं कहते हैं, यथेमाम वाचम कल्याणी आवदान जनेभ्यः, मैं इस कल्याणी वाणी को सारे प्राणी मात्र के दिया है, तो कोई इसमें बेईमानी न कर ले। इसलिए वेद में ही लिखा, ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय आर्याय चारणाय, मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र इन सभी के लिए ये वेद की वाणी दी है। एवरीवन हैज राइट टू रीड द वेद, वेद को हर एक व्यक्ति पढ़ सकता है, ऐसा वेद ने स्वयं अधिकार दिया है। मंत्र, और हमने कहा कि नारी नहीं पढ़ सकती, उन्होंने तो कहा यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः, जो भी इंसान पैदा हुआ है उस सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, क्या स्त्री क्या पुरुष। और बहुत से ऐसे मंत्र, इमम मंत्र नारी पठेत पत्नी पठेत, ऐसा भी है, समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयान्नौ समधाता समुदेष्टि धात्नौ, ये वेद का मंत्र है। उसमें लड़का और लड़की विवाह में दोनों बोलते हैं, दोनों के लिए आदेश है, और वो कहते हैं इस बात को, समापो हमारा हृदय हृदयान नऊ, हमारे हम दोनों के हृदय, दोनों कहते हैं, सम आपह अलग अलग जलों से मिले हुए जल के समान हो। आप जरा विचार करो, वेद में एक नहीं हजार प्रमाण है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, और जरा और भी दिखाता हूं आपको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की एकता का एक अद्भुत उदाहरण देता हूं, वेद मंत्र बताता हूं। रुचमनो धेहि ब्राह्मणेषु, वेद कहता है हमारी ब्राह्मणों में रुचि हो, हमें वो अच्छे लगे, वो हमको अच्छे लगे। आगे तो सुनिएगा, कहते हैं, और आगे लिखा रुचम राजसु नस्कृधि, क्षत्रियों में रुचम नह रुचम कृधि, हमारी रुचि को पैदा करो, क्षत्रियों में हमारी रुचि हो, ब्राह्मणों में हमारी रुचि हो, वो भी हमें अच्छे लगे। रुचम विश्येषु, और जो वैश्य हैं वो भी हमें अच्छे लगे, व्यापारी। और कहते हैं शूद्रेशु मय धेहि रुचारुचम, और शूद्रों में हमारी रुचि हो, वो हमसे रुचि करें और हम उससे रुचि करें। ये परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्सितम्। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा कि आप उनको चाहें और वो आपको चाहें, परस्परम भावयन्तः। जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के चारों वर्ण जब परस्पर प्रीति रखेंगे तो क्या है, कल्याणम तत्र वै ध्रुवम्, निश्चित तो समाज का कल्याण होगा। तो सोसाइटी इतनी अद्भुत थी, चार जो डिवीजन किए, अकॉर्डिंग नॉलेज, अकॉर्डिंग गुण, अकॉर्डिंग कर्म, अकॉर्डिंग नेचर, वो अलग बात थी, परंतु उनका एक सामंजस्य, हाउ टू रन सोसाइटी, कैसे समाज को वो आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए कहा रुचम नोधे ब्राह्मण सु रुचम राजस्व रुचम विशेष शूद्रेशु मयि धेहि रुचारुचम्। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ऐसा को समाज रहे जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब परस्पर एक दूसरे को रुचि रखें, स्नेह रखें। देखो
जब हम रिवीजन कर दे रहे हैं और छोटे और बड़े का भाव पैदा कर देते हैं, कार्य का अंतर है, ध्यान रखना, सम्मान का अंतर नहीं है। हर सम्मान नहीं है, श्रीकार रुचि तो सब रखनी है। जब भी शूद्र आपके सामने आए, आप उसे उतने प्यार से रखें जितने प्यार से अपने चरणों को रखते हो। क्या मनुष्य के पैर काटने पर दिमाग को पीड़ा नहीं होती, मस्तिष्क में दर्द नहीं होता? पैर में चोट लगे, ठोकर लगे तो भौंें भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें दांत पीसता है, पूरा ब्राह्मण जो है वो विकृत हो जाता है, चेहरा रोने का हो जाता है। चोट शूद्र को लगी है, ब्राह्मण रोता है। विचार करो, इसका मतलब उसकी पीड़ा ब्राह्मण की पीड़ा है। और सिर में चोट लगे तो पैर दौड़ के जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरे सिर में चोट लग गई है, मैं दौड़ के आया हूं, पैर दौड़ चलते हैं। क्या बात है! तो आप शरीर के विज्ञान को भी अगर पढ़ेंगे तो आपका जो वर्ण विज्ञान है वो समझ में आ जाता है। हमारे यहाँ लिखा है वर्ण वृणोते है, उसका निर्वचन किया है कि वर्ण जो है वो वर्ण करने से है। आपने उसको चूज किया है, आपने उसको सेलेक्ट किया है, यू हैव एक्सेप्टेड देम। ये आपने, आपको इनाम में नहीं मिला वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, ये तो आचार्य ने तय किया आपके अकॉर्डिंग योर नॉलेज, अकॉर्डिंग योर इंटरेस्ट, ये आपकी रुचि, आपके कार्य, आपके ज्ञान, इसके आधार पर तय हुआ। आज सोसाइटी बट गई। बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अगर कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति पढ़कर विद्वान होता है, हमारे तो लिखा है वेद में ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, एक ही जन्म में अगर वेदांत शास्त्र पढ़ के विद्वान हो गया तो शूद्र ब्राह्मण हो जाएगा, और ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, समझे, में सूट जाता है और ड्रंक करता है, इसका मतलब वो ब्राह्मण होने का अधिकारी, कहने का अधिकारी नहीं है, वो नहीं लिख सकता, पर हो रहा है। तो वेद का संदेश बड़ा अद्भुत है कि समाज में हमने डिवीजन किया है काम के आधार पर, हमने डिवीजन व्यक्ति के जन्म के आधार पर नहीं किया। एक और देखिएगा, प्रियम मा कृणु शूद्रेशु, कहते हैं मुझको शूद्रों का प्रिय बनाओ, और कहते हैं प्रियम राजसु नस्कृति, और मुझे जो है क्षत्रियो का प्रिय बनाओ, प्रियम सर्वस्य पश्चात, सबको प्यार से देखो, वो तो शूद्र, वो तो आर्य। अगर हम केवल ये भी डिवीजन करें, एक वो लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, एक वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आर्य कहलाते हैं अपने आप को, कहते हैं हम दोनों से प्यार करें। व्यवहार पक्ष वेद का कितना कमाल है, वेद का ही मंत्र में आपको, अथर्ववेद का मंत्र है, इससे पहले वाला यजुर्वेद का मंत्र था। वेद के मंत्रों में कहीं भी समाज का डिवीजन जाति के आधार पर छोटा और बड़ा तय नहीं है। हमारे यहाँ वो डिवीजन कर्म के आधार पर है, हमारा पर कर्म के आधार पर डिवीजन होने के बावजूद भी परस्पर कैसी व्यवहार रखना है, कैसी प्रीति रखनी है, इसके लिए मैं कई मंत्र सुनाए। और सुनो ध्यान से, उन्होंने कहा अगर ये समाज में का एक दूसरे का सहयोग टूटा तो देश कमजोर है। हम अगर दुनिया में कहीं कमजोर हैं तो सिर्फ इसलिए हैं कि हम बटे हुए। देखो, एक तिनके का बोझ, एक तिनके की शक्ति बहुत कम होती है, उसे कोई तोड़ सकता है, पर तिनका जैसी चीज भी अगर इकट्ठी हो जाए, संगठित हो जाए, तो वो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम बट जाते हैं तो हमारी शक्ति बट जाती है। एक गठ बन जाता है तो उसका बड़ा वेट हो जाता है, उसकी बड़ी ताकत हो जाती है, फिर उससे तोड़ना आसान नहीं है। इसलिए हम संबो मना से जाना था। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपास। वेद का ये संगठन सूक्त है, सामंजस्य सूक्त है। उस सूक्त में कहा कि संगच्छध्वम, कहते हम सब साथ साथ मिलकर चलें। तुम सारे के सारे लोग, प्रभु आदेश देता है, कर चलना बेटा,
ऐसा मत करना कि ब्राह्मण अपने कल अलग लकीर बना ले, शूद्र अपने अलग लकीर बना ले, क्षत्रिय अपने अलग लकीर बना ले, और फिर आप देश के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप समाज के लिए, आप सब एक हैं। तो सोसाइटी एक सब सोसाइटी, यूनाइटेड सोसाइटी कैन इंप्रूव, वो इंप्रूव आगे उन्नति कर सकते हैं। संघे शक्ति कलौ युगे, इसलिए वेद ने कहा संग अच्छद्वम संबदध्वम, एक जैसा बोले। जब हम समाज की उन्नति की बात करें तो अलग अलग स्वर न हो। अब बात बात में स्वर, समाज का और राष्ट्र की बात तो बहुत दूर है। घर में जो पत्नी कहती है जी क्या बना लू, पति ने कहा बना लो बढ़िया बना लो, तो उसने कहा बढ़िया मुझे अच्छी लगती, तो तुम बताओ क्या बना। मैं तो सोचती है आज जो है वो मटर पनीर बना ले, बोला नहीं नहीं मटर पनीर बना, मटर गैस करती। जहां जहां कोमत एक अलग विचार, मेरा आवाज रुक रुक के आ रही है। सर आवाज ठीक नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर आवाज। हेलो आवाज आ रही है शर्मा जी? अब आ रही है सर, अब आ रही है, आ रही है सर, अब आ रही है। बीच में थोड़ा नेट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। असल में मैं नीचे क्लास ले रहा हूँ, नेट थोड़ा ऊपर लगा हुआ है। जी सर, जी 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 तो सर, मुझे एक दो मिनट के सर 10-15 सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है आवाज। पता नहीं चलता जी जी गड़बड़ हो तो सोसाइटी की बात कर रहा था। तो सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। कई बार हमारे सवाल अलग अलग होते हैं। जयघोषो बन को वेट 2-3 मिनट। ठीक है सर, ठीक है।
शर्मा जी आवाज आ रही है क्या? नहीं सर, नहीं आ रही अभी। राजीव नहीं आ रही ना, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो जी अभी नहीं मेरे आ को रहे। लगता हाँ है सर, हाँ सर ऊपर गए हैं शायद, फर्स्ट फ्लोर सर, वगैरह पे ऊपर। दोबारा जान जाएंगे सर अभी। शर्मा जी इतने कुछ और ही बातें कर लो जब तक सर चेकअप कर रहे हैं। अच्छा, और सुनाओ मैंने कैसे। तो बत्रा साहब भी हैं लाइन पे, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी मतलब फिजिकल क्लासेस सर कब से शुरू हो रही हैं? कुछ इस तरह का कुछ सर वो है? अब तो स्कूल वगैरह भी खुल रहे हैं तो। जी। नहीं सर, अभी तो इन्फॉर्मेशन कोई नहीं आई है। अच्छा जी, अच्छा। देखिए, वेद के ज्ञान के अभाव में ये हालत हो जाती है आदमी की। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतनी बढ़िया ज्ञान वार्ता चल रही थी, खत्म हाँ जी होने सर, से पहले ही। बड़ा बड़ा आनंद आ रहा था सर, लेकिन वो वॉइस जो है ना बीच बीच में ब्रेक हो रही थी। हाँ मैं कह रहा वो, हूं कि आनंद आ रहा था और हाँ जी, हाँ अचानक जी, हाँ, डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो गया, तो हो गए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान के अभाव में यही हालत हो जाती है आदमी की। बेचैन हो जाता है सर आदमी ज्ञान के अभाव में। क्योंकि हाँ वो जो रस, जो अमृत की बूंदे टपक रही थी वो बंद हो गई ना, टपक क्या नीचे बात है। हाँ सही बात से। है। जी तो जी मैं बात कर रहा था आपको, जी सर, हमारी जो वैदिक सोसाइटी थी उसमें संगठन का बड़ा महत्व था, क्योंकि सामाजिक उन्नति के लिए मिलकर चलना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए वेद ने कहा, ऋग्वेद का आखिरी सूक्त है 151वां सूक्त है, 191, उसमें कहा संग गच्छध्वं सं वदध्वं संभो मनांसि जानता। कहते हैं एक जैसा बोलोगे कैसे, एक साथ चलोगे कैसे, तो उसका भी नियम बता दिया, संभो मनांसि जानता। हम एक दूसरे के मनों को जाने, हम जब दूसरे के मन की भावना को जानकर बोलते हैं तब हम कभी भी गलत नहीं बोल सकते। हम वही बोलेंगे जो उसका मन भावन है। तो जब हर आदमी इस ढंग से बोलेगा कि मैं उसका मन भावन बोलूंगा, पत्नी पति का मन भावन बोलेगी, पति पति पत्नी का मन भावन बोलेगा,
पड़ोसी पड़ोसी के मन भावन बोलेगा, ब्राह्मण शुद्ध के मन भावन बोलेगा, शुद्ध ब्राह्मण के मन भावन बोलेगा, तो हमारी प्रोग्रेस सुनिश्चित है, हमारी उन्नति सुनिश्चित है। इसलिए वेद ने संगठन की बात कही, सब मिलकर चलेंगे, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांस जानतम। और मनों को भी कैसे जानेंगे, तो मन के लिए भी कहा तो मन को भी आप अपने कंट्रोल में कर लेंगे। और उसमें कहा यज जागृतो दूर अमुदयित दैवम तत्सुप्तस्य तथैव इति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। पहले मन को का संकल्प बदलो, मन को संकल्प के मन के संकल्प को बदलने के लिए आपको प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि मन कैसे कंट्रोल हो। ये वेद मंत्र बोल रहे हैं, हमारे कहा जागते हुए तो आपको कंट्रोल करने वाले बहुत हैं, लेकिन सोते हुए कैसे कंट्रोल होगा, तो इसलिए सोते समय मंत्रों का पाठ करना है। शिव संकल्प मस्तु, शिव वाला संकल्प हो, कल्याण का भद्र का संकल्प हमारा है। तो मन को दूसरे के भावन बनाने के लिए, दूसरे के अनुकूल बनाने के लिए आपके मन का संकल्प बदलना है। इसलिए मैंने आपसे कहा संगच्छध्वम संबदध्वम संभो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपास। परमात्मा ने तो सबका भाग निश्चित कर दिया और उस भाग पर ही आपको बहुत सब्र रखना है, धैर्य रखना है। होता क्या है, मेरे पड़ोसी ने मकान थोड़ा ऊंचा बना लिया, मेरे पड़ोसी की गाड़ी थोड़ी सी स्टैंडर्ड आ गई, मेरे पड़ोसी का थोड़ा कुछ उन्नति हो गई, उसका बेटा पढ़ गया, अच्छी पोस्ट पर लग गया, बस मैं तो जल भुन गया, आग लग गई। ये जो जेलस इसको बोलते हैं, इसको हम ईर्ष्या कहते हैं, ये जो ईर्ष्या का भाव है ये हमको साथ मिलकर नहीं चलने देता, कहते इसको हमने त्यागना है। वेद में सैकड़ों मंत्र हैं हमारी इस भावना को शुद्ध करने के लिए। इसलिए मैंने आपसे कहा, अब देखो हमारे यहाँ तो गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा है, सर्वोत्कृष्ट मंत्रवाद क्यों बोला है, इसलिए बोला है कि हम अपने बुद्धि को पवित्र करने की बात उसमें करते हैं। बुद्धि और मन हमारा ठीक ठिकाने है तो सारा कुछ ठीक ठिकाने है, पूरी सोसाइटी ठीक ठिकाने पर है। इसलिए संगच्छध्वम संबदध्वम, और फिर कहा समानी बा आकूति समाना हृदयान बा समान वस्तु वो मनो यथा वह सुसाहसति समानी बा आकूति, कहते हमारा कथन समान हो, और समाना हृदया ने बा हमारे हृदय समान हो। और ये समानता के लिए क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, सेटल करना पड़ता है। परमात्मा ने सारी दुनिया आसमान बनाई है, कोई किसी के जैसा नहीं है। कई बार हम कहते हैं अरे साहब वो उसके जैसा विद्वान नहीं है, जैसे वो थे वो कमाल थे। अरे भैया वो अपने कमाल थे, ये अपने कमाल है। हर आदमी इंडिविजुअलिटी को लेकर के आया, इसलिए हमने वर्ण व्यवस्था की बात जब की है तो ध्यान रखना वर्ण व्यवस्था इंडिविजुअल है, ये व्यक्तिनिष्ठ है, वर्ण व्यवस्था समाजनिष्ठ नहीं है। एक व्यक्ति के गुण और आधार पर उसका वर्ण तय होगा, तो ये व्यक्तिनिष्ठ धर्म है। आदरणीय बहन जी का नाम इसमें आ रहा है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो मैंने आपसे कहा कि हमारी जो समाज है, इस समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन तीनों का काम तय किया, और उसमें एक प्रतीक उन्होंने बनाया। मुख ब्राह्मण का प्रतीक है, बाहु क्षत्रिय का प्रतीक है, वैश्य जो है उरु उसके प्रतीक है, और शूद्र का पाद प्रतीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग जैसे कार्य कर दिया, जो कार्य है वो ब्राह्मण का वेदादि शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, अध्ययनम अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रह चैव ब्राह्मण नाम कल्पयन, ऐसे आगे के ग्रंथों में मनुस्मृति आदि में इनका बहुत विस्तार से डिवीजन किया हुआ है। तो मैंने आपको वर्ण व्यवस्था के विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा की। अब इस चर्चा में एक बात और समझ लें आप, वेद में कहा ब्रह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मर्दभ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम, यजुर्वेद के 32वां मंत्र का 5वां मंत्र है, 32वां अध्याय का 5वां मंत्र है। उसमें कहा ब्राह्मणम ब्रह्मणे, ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म शक्ति के लिए, ज्ञान के लिए,
तपस्या के लिए, जिसे कहने चाहिए कि ब्रह्मचर्य का व्रत करने के लिए, वेद के ज्ञान के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्षत्राय राजन्य, रक्षा के लिए छतरी बनने के लिए, बारिश होती है हम छतरी लगाते हैं, वो बादल पानी को ऊपर रोक लेती है, तो इसी तरह से क्षत्रिय आप पर आने वाले संकट को रोक लेता है। मर्दभ्यो वैश्यम, मर्द कहते हैं वायु को, वायु तो बहती रहती है और व्यापारी भी चलता रहता है, इसलिए मर्दभ्यो वैश्यम गतिशीलता के लिए वैश्य, इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, जब उसका व्यापार अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा तो इस देश से उस देश, उस देश से इस देश, इस शहर से उस शहर, तो ये आना जाना जो है वो उसके लिए। और कहा तपस्य शूद्र, और शूद्र तप के लिए, क्षम करेगा, तपस्या करेगा। तो हमारे यहाँ जो आश्रम व्यवस्था है उसमें मैंने यह भी आपको बताया कैसे परस्पर रुचि रखनी है, उसके मंत्र भी मैंने आपको दिए। और अब इसके बाद जो जाति की एक और परिभाषा है उसकी मैंने चर्चा आपको पीछे की थी, कहते हैं आकृति जात लिंगाच एवं समान प्रसवात्मिका जाति। कहते हैं दो चीजें, एक तो समान प्रसव वालों की एक जाति होती है, तो समान प्रसव का मतलब क्या है, जिनका जन्म समानता होता है, सब मनुष्य एक मनुष्यत्व जाति है। उसमें फिर मैंने भेद किया कि मनुष्यों में स्त्री जाति है, पुरुष जाति है, तो एक जो सत्ता जाति है उसके भीतर एक अपर जाति होती है, तो जो बड़ी जाति हो गई वो पर जाति हो गई, छोटी जाति अपर जाति हो गई, और इसका एक सीधा सा फार्मूला है, जिनमें समानता है उनकी एक जाति है। तो ये समानता जो है वो बहुत बड़ी चीज है, आयुर्वेद शास्त्र में है, सामान्य को लेकर के बड़ा विस्तार हुआ है। उन्होंने, ऋषियों ने ये देखा कि शरीर के किस अंग के आकार का कौन सा पदार्थ है, जैसे आपने अर्जुन देखा होगा, अर्जुन अर्जुनारिष्ट आजकल पीते ना हार्ट के लिए, तो उसका जो फल है उसकी आकृति हार्ट के जैसी है, हृदय के जैसी है। तब ऋषियों ने उस पर अनुसंधान किया, इसका प्रयोग करके देखा क्या वास्तव में यह हार्ट के लिए अनुकूल है, पता लगा ये तो बड़ा कमाल की चीज है, हार्ट के लिए बहुत अनुकूल है, तो अर्जुन जो है वो अपने में औषधि बन गया। तो ये समानता का नियम आर्थर उसमें शास्त्र यानी आपका विज्ञान में भी काम करता है, आयुर्वेद शास्त्र में भी काम करता है, और हमारे समाज में भी काम करता है। तो ये आपको मैंने वर्ण व्यवस्था की चर्चा इस पिछले आर में की। अगली चर्चा है भारतीय समाज, वैदिक समाज, उसका एक आधार है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था को जरा देखिएगा, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार वर्णों की चर्चा मैंने विस्तार से आपके सामने की, और वो कर्म आधारित है, वो गुण आधारित है, वो स्वभाव आधारित है, गुण कर्म विभाग से चातुर्वर्ण मया सृष्टम, उसके तमाम मैंने प्रमाण वेद में दिए। वर्ण व्यवस्था के वेद में कई मंत्र थे जिनकी चर्चा मैंने आपके सामने की। अब इसके बाद आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था पर कोई प्रश्न आपका है तो आप लोग करिएगा, उसके मैं पहले समाधान करके फिर आश्रम व्यवस्था को टच करते हैं। ये दो मुख्य बिंदु है जिनकी चर्चा आज करनी है। वर्ण व्यवस्था पर प्रश्न कीजिएगा। किसी कोई प्रश्न नहीं करना। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जैसे आजकल हम शादी विवाह के लिए गुण मिलान करते हैं, तो उसमें एक नाड़ी मिलान है, एक वर्ण मिलान है, तो सर नाड़ी मिलान जब तक, मतलब आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि चार गोत्र मिलाए, सामने वाले के चार गोत्र नहीं मिल रहे, तो हम वहां पे बात करेंगे जी, है ना। तो पुराने समय में कैसे होता था, और अब जैसे इसमें वर्ण व्यवस्था की बात की कि हम लड़की का देखेंगे, अगर क्षत्रिय है तो ब्राह्मण लड़का होना चाहिए, और ब्राह्मण लड़का है तो उसको सभी वर्ण की लड़कियां चलेंगी, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रही थी। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। बेसिकली ये जो सर क्वेश्चन है ज्योतिष का, ज्योतिष से रिलेट करता है क्वेश्चन। हाँ, ज्योतिष इसी के अंग में आ गया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हम आजकल हमने देखा है कि हमने पूरी कुंडली मिला ली लड़का और लड़की की। वैसे तो क्या होता है ये राजीव शर्मा जी अच्छी तरह जानते हैं, पंडित जी को आप दक्षिणा मोटी दो तो वो सबकी कुंडली मिला देते हैं, क्योंकि पूछने वाले को तो कुछ ज्ञान होता नहीं है
कुंडली क्या है, कैसे मिलती है। उन्होंने कहा इसके 32 गुण मिल गए, इसका 16 गुण मिल गए, इसका 14 मिल गए, दो एक कम बता दिया। बोले बात सही है। अब पता लगा कि 2 साल भी जिंदगी नहीं टिकी। हाँ, मैं अपवीति सुना रहा हूँ आपको। जी, तो असल में गुण मिलाने का मतलब ये, हमको वो नहीं मिलाना, कुंडली नहीं मिलानी। हमारे शास्त्रों, वैदिक काल की बात बता रहा हूँ, वैदिक काल में गुण कर्म और स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव का मतलब क्या है? गुण कर्म स्वभाव का मतलब है, जैसे अगर लड़का MBBS है तो लड़की अगर MBBS होगी तो आराम से एक दूसरे की समस्या समझ लेंगे। और अगर लड़की ने शादी कर ली किसी व्यापारी से तो पता लगा कि वो तो अपने ऑपरेशन थिएटर में ही है और हस्बैंड जो है वो 6 महीने बाहर ही रहते हैं। उन्होंने सोचा बड़ी मुश्किल से तो घर में आने का अवसर मिलता है, ऊपर से ये भी नहीं मिलते, तो समय बदल लो। एक्चुअली सर, जो थॉट प्रोसेस होता है वो एक जैसा हो जाता है। जब एक ही तरह के दो आदमी मिलते हैं तो उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है। तो ये मैंने आपको केवल कर्म की बात कही है, अब गुणों की बात भी है। मान लो दो आदमी, पत्नी भी क्रोधी है, लड़की भी क्रोधी है, लड़का भी बहुत क्रोधी है, तो क्या होगा? तो संग्राम हो जाएगा भयंकर, और ज्यादातर टिकने वाला नहीं है। और इसलिए स्वभाव मिलाना है। कम से कम एक बात ध्यान रखो, आपने देखा होगा ज्योतिष में भी चंद्रमा मिलाते हैं, सूर्य मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? तो चंद्रमा का मतलब, सूर्य का मतलब है स्वभाव, उसका चंद्र स्वभाव है या उसका सूर्य स्वभाव है। इसमें भी सर कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो अग्नि तत्व होते हैं, कुछ वायु तत्व होते हैं, कुछ पृथ्वी तत्व होते हैं। वही बात। तो आपको आपको स्वभाव का थोड़ा सा पता करना है कि बहुत उग्र स्वभाव का अगर कोई है तो उसका गृहस्थ जो है वो बहुत मुश्किल से जमता है। अतिक्रता बहुत बुरी चीज है, तो इसलिए स्वभाव और एक तो कम से कम नरम जरूर हो, तो एक अगर चिल्लाए तो दूसरा शांत हो जाएगा, बात बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, या हवन में हवन करते हैं, अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा, पति जिधर बैठता है उधर अग्नेय स्वाहा की आहुति देते हैं, पति जिधर बैठती है सोमाय स्वाहा की बात करते हैं। देखो एक को स्याही सोखता बनना पड़ता है, तो वो हाँ जरा भी गुस्से की स्याही गिरे तो सोखता तुरंत उसे सोख ले, उसकी प्रतिक्रिया ना करे, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और एक है स्वभाव, तो गुण कर्म और स्वभाव जो है इनके आधार, कर्म के आधार पर भी, गुणों के आधार पर भी, स्वभाव के आधार पर ही ये निर्णय होता है, तो ज्यादा अच्छा होता है। वैसे तो हम लोग सब चीजें कहाँ से देख लेंगे, उसमें आनुवंशिकता भी देखनी पड़ती है कि पीछे उसका किस वर्ण से वो आया है, वहां का उसका बैकग्राउंड क्या है। तो एक कहानी आती है पार्वती और शिव की शादी की। शिव और पार्वती की शादी में तो किसी ने पार्वती से कहा कि तू जो शंकर 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 कर रही है, अरे बावली, 3 चीजें शादी में देखी जाती हैं। एक देखा जाता है घर, एक देखा जाता है वर, और एक देखा जाता है जर। जर क्या होता है सर? जर 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 का मतलब पैसा। अच्छा जी, जी 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 जी। हर वर वर और लड़का लड़की का पहले तालमेल हो, लड़का 6 फुटा हो, लड़की 5 फुटा 4 फुटा हो, है ना, तो अमिताभ बच्चन और जय बहादुरी हो जाएंगे। उनकी अच्छी चीज गई, वो अच्छी बात है, लेकिन हाँ आगे चल के थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो एक तो वर देखो बस शरीर से और पढ़ाई लिखाई के से तो दोनों की क्वालिफिकेशन वगैरह ठीक हो। अनपढ़ खानदान की चली आई मेरे घर में, वो कहे तेरा पढ़ाई लिखाई से मैंने बहुत देखे, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो एक तो वर देखना, फिर घर देखना। तो शिव जी से कहा इसके घर का पता नहीं, शमशान घाट में रहता है, खानदान का पता ही नहीं कुछ, और कमाई कमाई इसकी कुछ है नहीं, खप्पर में खाता है। तो पार्वती बहुत नाराज हो गई और उसने जो है कहा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो वो स्वयं शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अरे तुम्हारी जैसी महिला कहाँ मिलेगी। तो जरा विचार करके देखिएगा कि हमारे यहाँ शास्त्रों में भी जो वर्णन आया है देवताओं की शादी का भी, उसमें भी हमें यह संदेश परोक्ष न्याय से दिया गया है कि आपकी प्रीति इतनी अटल होनी चाहिए जिसमें अगर गुणकर्म स्वभाव में भी थोड़ा बहुत कहीं भेद है तो आपका समर्पण उसको भी दूर कर सकता है। जी, मैंने आपसे आपकी शंका का समाधान शायद हो गया होगा मीनाक्षी जी। जी सर, और कोई शंका आप भाइयों की तरफ से?
फिर मैं अगला प्रकरण आरंभ करता हूँ आश्रम व्यवस्था का। नहीं सर कोई शंका नहीं है, आगे आप बस। क्या बात है, चलिए। तो आश्रम व्यवस्था इसका दूसरा बिंदु है समाज का, प्राचीन काल का। अब तो आश्रम समाप्त हो गए, अब तो एक ही आश्रम बचा है और वो है गृहस्थ आश्रम, बाकी आश्रम तो नाम मात्र को हैं। वैसे हमारी इस आश्रम व्यवस्था में वेद में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के लिए तो हजारों मंत्र उपलब्ध होते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए बहुत मंत्र हैं, गृहस्थ के लिए बहुत मंत्र हैं, वानप्रस्थ के मंत्र कम होते हैं और संन्यास तो बहुत कम है। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूं, परंतु यह आश्रम व्यवस्था वैदिक काल के थोड़े से बाद में ज्यादा व्यवस्थित हुई। तो वहां तो हमको मिलता है कि ब्रह्मचर्य समाप्त गृही भवेत, गृही भूत्वा बनी भवेत, बनी भूत्वा प्रव्रजेत, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्य ग्रंथों में मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में भी है, सब ब्राह्मण में भी यही वचन है। तो ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थ हो जाए और गृहस्थी को समाप्त करके वानप्रस्थी हो जाए, वानप्रस्थी बन करके खत्म करके सन्यासी हो जाए। परंतु दो आश्रम कंपलसरी है, एक ब्रह्मचर्य और एक गृहस्थ। और वैसे भी हम सब लोग ज्यादातर ब्रह्मचर्य और गृहस्थ से ज्यादा जुड़े हैं, इसलिए इस पर थोड़े विस्तार से चर्चा करूंगा। वैसे वानप्रस्थ और सन्यास की भी चर्चा करूंगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये ब्रह्मचर्य क्या है? तो मैंने जब वर्ण व्यवस्था की चर्चा आपके सामने की थी तब उसमें आपको कुछ बातें कही थी। ब्रह्म और चर्य दो शब्द हैं इसमें। ब्रह्म का मतलब है चार अर्थ है। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा, ब्रह्म का मतलब है वेद, ब्रह्म का मतलब है ज्ञान और ब्रह्म का मतलब है वीर्य। ये चार अर्थ इसके हैं। इन चारों को चरण करने वाला, धारण करने वाला, उनका आचरण करने वाला, उसका पालन करने वाला कौन है? ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी के लिए तो बहुत मंत्र हैं वेद में। इसमें लिखा है ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकान तपसा पिपर्थ, अथर्वेद का मंत्र है ये। ब्रह्मचारी सूक्त का मंत्र है, वहां एक सूक्त ही है पूरा ब्रह्मचारी सूक्त। ग्यारहवें उसका अध्याय का एक पूरा सूक्त है और वो पांचवा सूक्त है। वो सारे सूक्त के अंदर जितने मंत्र हैं सब ब्रह्मचारी से रिलेटेड है। उनमें से एक दो का मैं प्रसंग आपको सुनाऊंगा। तो कहा ब्रह्मचारी समिधा, मूल शब्द है समित और उसका तृतीया में बना समिधा। समिधा शब्द भी है प्रातिपदिक और समित शब्द भी है। तो समित का हाँ जी सर, एक्चुअली जो है पंडित जी मतलब बता रहे थे किसी की क्रिया में, वो कह रहे थे कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो वो है वो गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही सब कुछ टिका हुआ है। अगर कोई सन्यासी मांगने जाएगा तो वो गृहस्थी के पास जाएगा। मैं अभी गृहस्थ में घुसा नहीं, अभी ब्रह्मचारी में हूँ। जैसे उसमें प्रवेश करूंगा तो उसकी चर्चा करूंगा विस्तार से। जी, मैंने पहले बोल दिया आपको। तो अभी ब्रह्मचारी की बात है, तो उसमें कहा उन्होंने कि ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण तपसा लोकान पिपर्थ। अथर्वेद में कहा कि ब्रह्मचारी समिधा से, समिधा का क्या मतलब है? समिधा का मतलब है समर्पण। समिधा क्या है जरा विचार कीजिएगा। अगर ये लकड़ी पेड़ पर है डाली के रूप में तब उसको आप शाखा कहेंगे अथवा डाली कहेंगे अथवा तना कहेंगे, पर उसको समिधा तो नहीं कहेंगे ना। पेड़ की डाली को आप क्या कहेंगे? डाली कहेंगे। पेड़ की डाली को आप शाखा कहेंगे, तना कहेंगे, पर आप उसे समिधा नहीं कहेंगे। समिधा कब बनी? जब तोड़ करके और काट करके आपने जमीन पर डाल दी और धीरे 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 उसका सारा रस सूख गया। वो भी सारे वृक्षों की समिधाएं समिधाए नहीं है, वो भी ध्यान रखना। वो समिधा समिधा है संबित प्रकार इध्यते, जो ठीक प्रकार से प्रज्वलित हो जाए, जिसका कोयला ना बने, पूरी राख हो जाए और डाली गई सामग्री को भी पूरी तरह भस्मसात कर ले, कहते वो समिधा है। तो समिधा वो हुई जिसमें अपना रस बचाई दी। तो कहते ब्रह्मचारी समिधा से, इसका मतलब समर्पण से। जब हम दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं तब हम समिधा हो जाते हैं। और एक बात बताऊं आपको, आजकल ब्रह्मचारी समिधा नहीं हो रहा, लकड़िया हो रहा है। वो तो ऐसी कठोर लकड़ी हो रहा है, तो इसमें तो कहा कि ब्रह्मचारी समिधा,
ब्रह्मचारी संविदा से, समित भाव से, माता पिता के प्रति अगर वो कुछ कहते हैं, वो जवान हो गया है तो उत्तर देता है, ऐसा उत्तर देता है जैसे लठ मार है ना, लकड़ी मार दी हो। तो ये जो बात है इसी के लिए कहा था, तो ब्रह्मचारी संविदा जैसा हो, है ना, पिताजी आदेश कहें तो भस्म होने को तैयार हो जाए। राम को कहा दशरथ ने, तुमको बन जाना है बेटा, तो राम ने कहा पिताजी की जैसी आज्ञा, और बटोही की तरह, राहगीर की तरह, जैसे वृक्ष की छाया छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, वो शासन की सारी व्यवस्था छोड़ करके चल दी। क्या बात है, पिता की ऐसी आज्ञा मानने की वृत्ति का नाम क्या है, ब्रह्मचारी है। इसने कहा ब्रह्मचारी संविदा, संविदा से समर्पण भाव से, और मेखलया। मेखला क्या है, ध्यान से समझिएगा, मेखला कहते हैं कमर कस के, ये कमर में बंधती है मेखला, इसे करधनी बोलते हैं आप। अब तो मेखला की प्रथा चली गई, करधनी की प्रथा चली गई, लोग कौंदनी पहनते नहीं है, पहले पहनते थे। तो करधनी जो है वो जब हम कटी में पहनते थे उसको, तो उसका नाम था मेखला, तो मेखला लोग पहनते थे। इसका मतलब कमर बांध लो, सोसाइटी के, समाज के कल्याण के लिए कमर कस लो, करधनी कमर कस है। महिलाएं भी पहनती थी चांदी की, सोने की, फिर वो आभूषण बन गया, परंतु बात यह है वो तो कमर कस है। आपने किसी काम के लिए कटिबद्ध हो गए, कमर कस लिया आपने, तो समझ लो ब्रह्मचारी मेखलया, मेखला से, कटिबद्धता से। और कहते हैं क्या, श्रमेण, श्रम से, परिश्रम से, वेद और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए जब कटिबद्ध हो जाता है व्यक्ति, तब वो शास्त्र का विद्वान हो जाता है। और वो कब होता है, कभी कभी तो बड़ी उम्र में जाके ये बात ध्यान आती है, तो लोग क्या सोचते, अब तो हमारी उम्र निकल गई पंडित जी, अब हम क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना, हमारे देश में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 60 वर्ष के बाद संस्कृत पढ़ी और वेदों का भाष्य किया, चाहे पंडित सातवलेकर हों या क्षेम कर्णदास त्रिवेदी हों, उन्होंने बड़ी उम्र में संस्कृत पढ़ने के बाद वेद के भाष्य तक किए और बड़े प्रामाणिक भाष्य किए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ब्रह्मचारी संविदा से, मेखला से, श्रम से और तप से, विपर्त सारे समाज का पेट भरता है, प्री पूर्णे उसका पालन करता है, बहुत बड़ी चीज है। अब वो जो सारा श्रम है, वो सारा जो कटिबद्धता है ब्रह्मचारी की, समिदा की, तपस्या की, कहते हैं वो ब्रह्मचर्य काल की है। जो बालक ब्रह्मचर्य काल में जब कटिबद्ध होकर अध्ययन कर लेता है, उसका गृहस्थ बहुत उत्तम होता है। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य जितना तपस्याशील, जितना कष्टदायी, जितना परेशानी सहलेगा, समझ लो गृहस्थ को उतना ही सुखी बनाएगा वो व्यक्ति। इसलिए विद्यार्थी जीवन में जैसे व्यस्त विद्या नाम यौवने विशेषणाम वार्धके मनोवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्तेजा। मित्रों, ये जो ब्रह्मचारी है, ये बड़ा अद्भुत स्थिति है इसकी। वेद में तो यहां तक कहा है कि आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृते गर्भमंता। आचार्य उपनयन के आए, समीप में आए हुए विद्यार्थी को अपने गर्भ में धारण करता है और 3 रात उदर में रखता है, पेट में रखता है। तम जातम दष्टुम अवसयंत देवाः, और जब निकलकर बाहर आता है तो लोग उसका दर्शन करना चाहते हैं, ओ ब्रह्मचारी क्या तेजस्वी है। ये तेज धारण करने के लिए क्या करना है, वो वेद ने उसका उपदेश दिया, आचार्य उपनयमान तुरते गर्भ मंता। कहते हैं आचार्य समीप आए विद्यार्थी को पहले अपने गर्भ में धारण करता है, उसका आत्मसात करता है, उसको पूरी तरह समझता है। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी का पूरा क्या है बैकग्राउंड, उसके पिता कैसे, उसके माता कैसे, उसका कुल कैसा, उसका संस्कार कैसा, और उसके पूरा अध्ययन करता है मनोविज्ञान, और अध्ययन करने के बाद उसे अपने हृदय में धारण करता है, उसके सारी समस्त स्थिति को जानता है। घर की आर्थिक परेशानी है, आज से घर के विषय में नहीं सोचना, यू हैव टू थॉट ओनली योर बुक्स, अबाउट योर बुक्स, अबाउट योर नॉलेज। आप अपने ज्ञान के विषय में केवल चिंतन करेंगे, घर के विषय में चिंतन नहीं करेंगे। ब्रह्मचारी घर से निकल और आश्रम में पहुंचने के बाद आचार्य ने कहा, पीछे सब चिंताएं वहीं छोड़ दो जहां है,
आज विद्यार्थी कितने समय गुरु के पास रहता है? देखो गुरु के पास रहता है आधा घंटा। अब आप कहोगे ये कैसे? सुनो ध्यान से, जब स्कूल में बच्चा आया तो उसके 9 पीरियड होते हैं। 9 पीरियड में एक अध्यापक के पास 35 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का पीरियड होता है। एक आचार्य एक शिष्य के पास 40 मिनट्स रहता है, और थोड़ा थोड़ा और आचार्यों के पास भी रहता है, तो भी 5 घंटे से ज्यादा नहीं रहता। 24 घंटे में 5 घंटे आचार्य के और बाकी जो 19 घंटे जो हैं वो और सोसाइटी के घर वालों के। ऐसी स्थिति में आचार्य उस पर पूरा संस्कार नहीं डाल सकता। हमारे यहां कहता है ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः, उसके अंतर उसके बीच ही रहेगा, समझे, उससे बाहर नहीं जा सकता। जैसे गर्भ का बच्चा माँ के पेट में ही रहता है, बाहर नहीं जाता। और 3 रात तो कम से कम उसको पूरा अध्ययन करने के बाद गुरु जी से केवल जीवन की शिक्षा लेनी है। जिसे कहते हैं हम पढ़ना और गुणना, ये जो आचरण की शिक्षा है वो गुरु अंत में देता है। इसलिए कहा आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रि तिस्र उदते उदरे बिभर्ति, उसको अपनी शरण में लेता है। तम जातम द्रष्टुम अविशय्यन्ते देवाः, और फिर उसको देखने के लिए देवता बाहर आते हैं। अरे क्या ब्रह्मचारी निकला है, हैं? बायो का स्टूडेंट, केमिस्ट्री का स्टूडेंट, संस्कृत का, वेद का विद्यार्थी जब विद्यालय से बाहर निकलता है समावर्तन संस्कार होने के बाद, तो देवता भी उसे देखने के लिए बाहर निकल आते हैं। आप जरा विचार करो। शर्मा जी कुछ पूछ रहे? नहीं नहीं बताइए बताइए। हाँ कुछ आवाज सी आई। तो मैंने कहा कि आचार्य जो है वो ब्रह्मचारी को जब अपने अध्यापक को, अब आज क्लास में मान लो 40 विद्यार्थी हैं, तो नाम ही नहीं मालूम, रोजाना हाजिरी लेते हैं और फिर थोड़ा बहुत शक्ल से पहचानते हैं, उसका क्या बैकग्राउंड ये मालूम नहीं है। मैंने एक एग्जांपल आपको शायद पिछले लेक्चर्स में दिया था। मुझे बहुत चैलेंज रहा क्योंकि संस्कृत केंद्रीय विद्यालयों में 10वीं तक पढ़ाई जाती है और मैं डायरेक्ट PGT लगा, तो मेरे साथ चैलेंज ये था कि आप अपना अपना धंधा अपना व्यवसाय खुद ढूंढो, मतलब विद्यार्थी खुद तैयार करो। तब मैंने विद्यार्थी तैयार किए तो हमने कहा देखो भाई 2-3 बातें मेरे पास हैं। एक तो जो संस्कृत लेगा उसको 90 से ऊपर मार्क्स आएंगे 100 में, उस जमाने में 90 आते नहीं थे, ये 80-85 वाला ही टॉप कर देता था अपने बोर्ड को, अब तो 100-100 वाले बहुत होते हैं, उस जमाने में नहीं थे। तो हमने कहा 90 से नीचे नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी। उन्होंने सोचा गारंटी वाला अध्यापक है, कोई कोई बच्चा 6 नंबर की लालच में आ जाता था, और दूसरे कोई संस्कार की वजह से आता था, माता पिता ने कुछ संस्कृत के थ्रू जो मॉरल एजुकेशन है उसको प्राप्त कर लेगा, कुछ हर श्लोक में कुछ ना कुछ ज्ञान भरा पड़ा है, तो इसलिए कुछ माता पिता का संस्कार लेके आते, तो हमने चला दिया। परंतु हर विद्यार्थी, एक बार ऐसा हुआ कि पूरी क्लास की डिस्टिंक्शन आ गई और कुछ विद्यार्थी जो है वो अब 90 हो गए, केवल 2 विद्यार्थी थे जो 90 से नीचे थे, लेकिन वो भी 75 से ऊपर थे। तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर एक सर्टिफिकेट दिया, और सर्टिफिकेट के साथ साथ मुझसे पूछा उन्होंने सोसाइटी मीटिंग में, अध्यापकों की मीटिंग में, बोले हाउ कैन इंप्रूव टू द स्टूडेंट्स, हाउ कैन क्रिएट द इंटरेस्ट टू द सब्जेक्ट। तो ये जो बात उन्होंने मुझे कही, तो मैंने फिर अपना अनुभव सुनाया। हमने कहा जी मैं तो एक ही काम करता हूँ, जो मेरा संस्कृत में विद्यार्थी आ गया उसे मैं अपनी औलाद समझता हूँ, ये मेरा बेटा है ये मेरी बेटी है, और अब कैसे उसको आगे बढ़ाना है उसके जितने भी प्रयत्न हो सकते हैं, प्यार से बोलने का, टाइम के गैर टाइम पढ़ाने का, स्कूल टाइम के बाद भी कुछ पूछ ले तो भी बताएंगे, पहले अगर आना चाहता है तो पहले आके पूछ ले, और क्लास टाइम में तो कोई बात ही नहीं, वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि मैंने 30 विद्यार्थी उस विपरीत काल में संस्कृत में कर दिए, एक एक स्कूल में, साइंस के भी, कॉमर्स के भी, आर्ट्स के भी। सरकार ने बतेरी पॉलिसियां बदली लेकिन मैंने संस्कृत नहीं छोड़ी। हमारे कितने PGT संस्कृत हिंदी में चले गए जो MA हिंदी थे। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर विद्यार्थी को ठीक से आपने समझ लिया तो फिर विद्यार्थी को आप जो चाहें वो चीज दे सकते हैं। आपको केवल अपने संतान के समान आत्मा वही जायते पुत्र पुत्री वा आत्मा का टुकड़ा मानना है, तब देखो आप कैसे ज्ञान आगे बढ़ता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि उसको अपने शरण में लेना है। आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति, क्या बात है। उन्होंने कहा ये तो आचार्य को भी, आचार्य जो है
वो भी ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होगा, और ब्रह्मचारी ही फिर प्रजापति होगा, वही राजा बनेगा। तो ये जो पद्धति वेद में है, इसका मतलब है सोसाइटी के प्रजा को और राजा को सबको संयम बरतना है, सबको ब्रह्म के विषय में विश्वास रखना है, सबको वेद के प्रति आस्था रखनी है, तब वो प्रजापति बनने की स्थिति में भी पहुंच सकता है। और कहा ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युम उपागत, ये अथर्ववेद का ही मंत्र है, उसमें कहा ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचर्य के तप से देवताओं ने मृत्यु के दुख को भी पार कर लिया। हमारे यहां ब्रह्मचारी जो हैं वो कई प्रकार के हैं। एक ब्रह्मचारी है बसु, जो 24 साल तक अपना ब्रह्मचर्य का पालन करता है, 25वें साल में शादी करता है, वो है बसु ब्रह्मचारी। एक है रुद्र ब्रह्मचारी, रुद्र वो है जो 36 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो रुद्र है। और इसके आगे है आदित्य ब्रह्मचारी, इसके आगे भी है। आदित्य ब्रह्मचारी वो है जो 48 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और एक वो ब्रह्मचारी जो सारे जीवन ब्रह्मचारी रहता है, उसको कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उसकी ब्रह्मचर्य में निष्ठा है आजीवन। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की अवस्थाएं हैं, और गृहस्थ जो है वो भी आवश्यक है, उसकी चर्चा में करूंगा। इससे पहले मैं बता दूं, राजा के लिए उपदेश दिया ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, कहते ब्रह्मचर्य के तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। जितना राजा संयमी होगा उतना ही प्रजा की रक्षा करने में समर्थ होगा। और खुद ही बेचारा जो है वो रोगों का घर है, बिस्तर से उठ ही नहीं सकता, चल फिर सकता ही नहीं है, तब प्रजा समझ लेती है अशक्त है। अशक्त राजा को राजा बनने का अधिकार नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत बूढ़े हो जाते हैं तब राष्ट्रपति बनाते हैं, कभी कभी कोई नौजवान बनता है, तो हमारे यहाँ अतिवृद्ध को राजा बनने का राइट नहीं है। बल्कि वृद्ध का मतलब है जिसका ज्ञान, जिसकी शक्ति हमसे बड़ी हुई है, वो अनुभवी व्यक्ति जो है। न तेन वृद्धो भवति येनास्य फलितं शिरः, यो वै युवापीढ़ी आना तम्बई वैसे तम्बई स्थबिरम विदुः, हम उसको स्थबिर माने बूढ़ा मानते हैं, जिसके बाल पक गए उसको बूढ़ा नहीं मानते, बाल सफेद हो गए गंजा हो गया वो बूढ़ा नहीं है। कौन बूढ़ा है, कहते यो वै युवापीढ़ी आना, जो भले ही जवान हो लेकिन वेद शास्त्र का सम्यक अध्ययन किया हुआ है, संयमी है, कहते हैं ऐसा व्यक्ति कौन है, कहते हैं वही सही मायने में विद्वान है। इसलिए ब्रह्मचर्य, और फिर और कहा एक और कन्या के लिए, कब वो जाकर गृहस्थी बनेगी, तो कहा ब्रह्मचर्य ने कन्या जवानम विंदते पति, ब्रह्मचर्य के द्वारा जवान लड़की पति का वरण करे। ये बात मैंने खास तौर से इसलिए पढ़ी, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आज की स्थिति यह है कि 30% लोग अब नपुंसक हो गए, बीड़ी पी करके धुआं उड़ा के, दारू पी करके, नाइट क्लब अटेंड करके, ये जो रातों रात जागना और ऐसी नौकरी करना जिसमें हम 10 साल में पैसे वाले हो जाएं, जिसमें सोने को ढंग से मिले नहीं, दिनचर्या खराब होगी, वो बन गए क्या निशाचर बन गए, ऐसे लोगों के लिए वेद में कहा गया है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तब आप गृहस्थ को अच्छा सफल करेंगे। और पहले ही हमने सूटे पसूटा, सूटे पसूटा, सूटे पसूटा, सूटे पसूटा, खूब घूंट लगाए और खूब सूटे लगाए, पता लगा शादी करके लड़की को ले आए, अब हम किसी लायक नहीं बचे, हम बच्चा भी पैदा नहीं कर सकते, तो IBF चले गए, लाइन लगी है वहां, देखो जरा कोर्ट कचहरी से भी ज्यादा, दूसरे हॉस्पिटलों में ज्यादा वहां लाइन लगी है। क्यों लाइन लगी है, इसलिए लाइन लगी है कि हमने वेद के इस संदेश को नहीं माना कि ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ में जाना है। तो ये मैंने ब्रह्मचर्य की कुछ चर्चाएं आपके सामने की। एक पहला जो अवस्था थी ये सामाजिक अवस्था में इसका क्या महत्व था, इसका विस्तार से चर्चा की। ये वेद में मैंने सारे मंत्र आपको अथर्ववेद के आपके सामने रखे, और वेदों में भी चर्चा है। अब इसके बाद गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं, क्योंकि आज नहीं राजीव शर्मा जी बहुत देर से इस चर्चा के इंतजार में है कि ये गृहस्थ कब शुरू होगा। अब हम गृहस्थ को शुरू करते हैं। गृहस्थ होता है ब्रह्मचर्य के बाद, यानी 25 साल के से पहले हमारे यहाँ गृहस्थ में प्रवेश का नियम नहीं था। 8 साल का ब्रह्मचारी गुरुकुल जाएगा तो
आठ कम कर दो 25 में से, उतने वर्षों तक गुरु के शरण में रह के विद्वान बनेगा, स्नातक बनेगा। तीन प्रकार के स्नातक होते हैं, एक विद्या स्नातक, एक व्रत स्नातक और एक विद्या व्रत स्नातक, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। विद्या स्नातक तो वो है जिसने बीए की विद्या पढ़ ली और उसके बाद कहा भाई ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएट हो गया, स्नातक बन गया, अब कुछ नौकरी चाकरी करके शादी कर ली, ये विद्या स्नातक। कहते एक व्रत स्नातक है, कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, और ब्रह्मचर्य को उसने 25 साल पूरा कर लिया, पढ़ाई तो छोड़ दी और आगे ग्रस्त में चला गया। एक है विद्या व्रत स्नातक, जो विद्या में भी स्नान कर लिया उसने और ब्रह्मचर्य में भी स्नान कर लिया, वो संपूर्ण आचार्य है। तो स्नातक का मतलब होता है स्नान किया हुआ। स्नान का क्या मतलब होता है? स्नान का मतलब होता है सिर से लेकर के पैर तक पानी से पूरा डूब जाए, ध्यान रखना। और अगर हमने सिर नहीं भिगोया, हाथ मुंह धो लिया, तो उसको कुल्ला ततून बोलते हैं, हाथ मुंह धो लेना बोलते हैं, नहाना नहीं बोलते। स्नातक उसको बोलते हैं जो पूरी तरह पानी में डूब जाता है। इसका मतलब समझ गए आप, ज्ञान की गंगा में, ज्ञान के तालाब में पूरी तरह स्नान कर ले, यानी कि पूरी तरह उसमें डूब जाए ज्ञान में, और फिर निकला नहा करके, ज्ञान के स्नान करके आया, ज्ञान विद्या का स्नान, उसको स्नान। तो स्नातक का मतलब है एक सब्जेक्ट का पूरा मास्टर बन के आया, फिर आचार्य होगा जो और विषयों का भी बहुत कुछ आचार्य होगा। तो इस प्रकार से गृहस्थ के लिए आया, जब गृहस्थ में आ गया तब उसको क्या करना है। तो जब गृहस्थ में आया व्यक्ति है उसको गृहस्थ इसलिए कहते हैं गृह स्थित, 25 साल तक ब्रह्मचारी तो घर में रहता नहीं, ब्रह्मचारी तो चला गया गुरु जी के पास, अब तो ब्रह्मचारी भी गृहस्थी में रह रहा है, और गृहस्थी भी गृहस्थी में रह रहा है, और बानप्रस्थी भी गृहस्थी में रह रहा है, और सन्यासी भी गृहस्थी में रह रहा है। परिणाम क्या हो रहा है ध्यान से सुनना, जो लड़के की कैपेसिटी है वो तो है कि एक पाव घी खा लेगा तो भी पचा लेगा, और जो गृहस्थी है वो एक छटाक खाएगा तो पचा लेगा, और बानप्रस्थी जो है वो 50 ग्राम खाएगा तो पचा लेगा, सन्यासी तो 5 ग्राम में काम चला लेगा। लेकिन घर में एक ही जैसा खाना बन रहा है, एक खाना बना है जो सबको खाना है। अब दादा कह रहे हैं भाई मैं तो जो है ये मटर पनीर और ये छोले और क्या नाम है राजमा खा नहीं सकता हूँ, मेरे को तो पचेगा नहीं। उनका नहीं नहीं बच्चा बोल रहा नहीं मैं तो यही खाऊंगा, मुझे तो मजा आ रहा है, उसी में स्वाद आता है। घर में कलह हो जाएगा। जब चारों आश्रम एक साथ रहते हैं तब बहुत संकट हो जाता है। जी गोयल साहब, हाँ नमस्कार मैडम, आदेश करिए। हैं जी कल आज कितने बजे मीटिंग है? तो मेरे पास तो संदेश नहीं आया ना, मैं तो क्लास ले रहा था एक्चुअली ऑनलाइन, और मैं 5 बजे क्लास खत्म होगी तभी निकलूंगा। ठीक है ठीक जी। तो गृहस्थ जो है ये बड़ा भारी आश्रम है। राजीव जी बोल रहे थे, इन्होंने कहीं सुना था, तो मैं श्लोक सुना देता हूं आपको। यथा नदी नदा सर्वे सागरे यांति संस्थितम, सागरे यांति संस्थितम, तथैव आश्रम इणः सर्वे गृहस्थ यांति संस्थितम। एक और श्लोक है, यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवाः तथैव गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमाः। ये मनु के श्लोक हैं। इसमें कहा तस्मात् ज्येष्ठा समी ग्रही, तीसरा श्लोक में अंत में कहा इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। ये मनु ने कहा है कि गृहस्थ में मनुष्य जो है तप ना चाहते हुए भी करता है, ना चाहते हुए उसको तप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल उसको दान करना है, अब लड़की की शादी करेगा तो ससुराल वालों के लिए कपड़ा लेके आएगा, सामान लेगा, बहुत कुछ दान करेगा। कन्या दान करने के साथ साथ वो गौ दान करेगा, वस्त्र दान करेगा, ये दान की प्रथा है। तो जरा सोचिएगा कि हमारे यहाँ गृहस्थी क्यों श्रेष्ठ है। ब्रह्मचारी आएगा तो गृहस्थी से अपना काम चलाएगा, जो सन्यासी है वो भी माता भिक्षामदेही गृहस्थी के पास आएगा, वानप्रस्थी भी गृहस्थी के पास आएगा। इसलिए तस्मात् ज्येष्ठा समी ग्रही, उसमें घर में आपके कुछ हो ना हो,
चाहे भले ही भिखारी के पास आजकल पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके आपका हाथ तो यूं ही रहता है। इसलिए गृहस्थ बहुत श्रेष्ठ है कि वो चाहते ना चाहते हुए भी मातो श्रिया देयम ह्रिया देयम सब तरह से देना है। अब अचानक आपके घर में पैसे नहीं है, आपके दामाद आ गए और आपके संबंधी आ गए हैं लड़का पक्ष के लड़की वाले के, अब क्या करेंगे आप? तो आप चाहे जैसे भी करें मांग के लाए पड़ोसी से, पर उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, पैसे भी देंगे। ये क्या है? ये है कि आप पर ना होने पर भी आपको दान करना ही है। तो दान की वृत्ति जो है वो गृहस्थ में हो जाती है, इसलिए गृहस्थी श्रेष्ठ होता है। खैर, तो मैं आपको बता रहा था गृहस्थ का मतलब है गृह में स्थित। और घर क्या है? तो हमारे यहां तो कहा गया है, सच पूछो तो पत्नी ही घर है। गृहिणी गृहम उच्चते, पत्नी को ही घर कहा गया है। जो बिल्डिंग बनी हुई है वो घर नहीं है एक्चुअली, अगर उस घर का तो कोई स्वरूप ही नहीं है। इसलिए हम लोग जो हैं घर को घर बनाने के लिए, पूछो घर कौन बनाता है? आप मैंने उसमें पढ़ा संस्कार विधि में, उन्होंने स्वामी जी ने एक जगह शाला कर्म विधि अलग से लिखी गृहस्थाश्रम में। क्या मतलब है? कि गृहस्थ भी ही घर बनाता है, शाला उसी की जरूरत है, बाकी तो जहां तहां घर। सन्यासी को शाला की कहां जरूरत है? वो तो किसी भी आश्रम में किसी भी मठ में चला जाएगा, वहां जाके भजन पूजन कर लेगा, वानप्रस्थी वन में कुटिया बनाएगा, वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर चला जाएगा। लेकिन गृहस्थ किसी दूसरे के यहाँ नहीं जा सकता, उसको तो अपना घर बनाना है, इसलिए वो घर में स्थित है। और घर जिससे स्थित है वो गृहस्थ है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, इस गृहस्थ आश्रम में जब जाते हैं तब पहली चीज, जब शादी होती है, आप सब लोग पंडित हैं, कुछ संस्कार भी जानते हैं, कर्मकांड के लोग भी हैं, सबसे पहले विधि होती है पूजा की, दान स्वागत की, वर पूजन होता है, कोई द्वार पूजा करता है, द्वार के बाद फिर जो वहां से आते हैं उनका पूजन होता है, और साधु भवान आस्था मर्च श्यामो भवंतम करके अर्घ्य देते हैं, पाद्य देते हैं, ये सारा, और मधुपर्क देते हैं। ये क्या है? स्वागत है। ये स्वागत की विधि गृहस्थ में बहुत आवश्यक विधि है। गृहस्थ होकर स्वागत करना नहीं आया तो फिर वो गृहस्थ गृहस्थ नहीं है। इसलिए कहा तृणानि भूम रुदकम वाक चतुर्थी चूर्यता सतामेतान गेहेशु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। ये चार चीजें सत्पुरुषों के घर में गृहस्थ में सदा रहती हैं। क्या क्या? तृणानि, तृणानि का मतलब है तिनका, और तिनके का मतलब है आसन, और जगह। भाई जो घर में आएगा उसको रात को ठहरना है, आइए एक चारपाई, एक जगह देने के लिए बैठिए। जब भी कोई मेहमान आता है आइए बैठिए। प्रणानि भूमि उदकम, और बैठने के तुरंत बाद हम जल पेश करते हैं, जल लीजिएगा। आजकल सर्दियों में थोड़ा पानी जरूर पीते रहना, कई बार लोग सर्दियों में पानी छोड़ देते तो उनका बीपी वगैरह थोड़ा हाई हो जाता है। तो कहा उदकम बाग चतुर्थी चूर्णता, और चौथी चीज है शून्यता बाग। शून्यता बाग का क्या मतलब है? कहते सुमानी अच्छी और इतमानी सच्ची, अच्छी और सच्ची वाणी, मीठी वाणी, वो गृहस्थ का धर्म है। जब कोई आए ये चार चीजें हमारे घर में होनी चाहिए, इससे स्वागत होता है। यही स्वागत लड़की लड़के का करती है जब 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 विवाह संस्कार होता है, उसमें एक स्वागत विधि है। उस स्वागत विधि में हम लड़के लड़की के हाथ से लड़के को स्वागत करवाते हैं, क्योंकि उसके घर पे आया है वो। जो भी जिसके घर पे आता है, घर पर आए तो कैसे स्वागत करना है? केवल लड़के का ही स्वागत नहीं करना। जब तुम उस घर में चली जाओगी तो घर का जो भी मेंबर आपके सामने आएगा, कैसे आप उसका स्वागत करेंगे? उसकी विधि है, पहले वो आसन देती है, बिस्तरो बिस्तर प्रतिग्रहितम, पहले वाणी से स्वागत कर, साधु भवान आप बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, आस्था वर्चे श्यामो भवंतम, बैठिए मैं आपकी पूजा करूंगी, आपका सत्कार करूंगी। और पहला ही शब्द इतना कमाल का हो गया तो आने वाला व्यक्ति तो खुश हो जाए। फिर कहा आप बिस्तरो बिस्तर प्रतिग्रहितम, आसन ग्रहण करो ना, बैठो। और उसके बाद कहा पाद्यम पाद्यम, आप पैर थक कर आए हैं, आप इजाजत दें तो पैर धो दूं। कृष्ण सुदामा के चरण धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैना नुके जल से पग धोए।
इतना रोए पुराने मित्र को मिलकर के कि चरण गीले हो गए। ये तो हालांकि थोड़ी कविता है, कवि का भाव है इसमें, परंतु इतनी बात तो है कि सुदामा का स्वागत कृष्ण ने जिस ढंग से किया वो अतिथि सत्कार दुनिया में एक प्रमाण है। इसलिए कहा एक बात, ये स्वागत जो है गृहस्थी आदमी को जरूर आना चाहिए। और फिर हम कहते हैं उसके बाद अर्घो अर्घ प्रतिग्रहताम, फिर मुख धोने के लिए जल और उसके बाद मधुपर को मधुपर का प्रतिग्रहताम, कुछ मधुरान खाने पीने का। ये जो स्वागत की विधि है हमारी संस्कृति में एक गजब की विधि है। अब धीरे धीरे अतिथि तुम कब आओगे की जगह पर अब तो भावना यह आती जा रही है, अतिथि तुम कब आओगे, कब जाओगे। अब तो यह है कि जो आने वाला है वो कब जाएगा इसकी प्रतीक्षा करता है। यार क्यों प्रतीक्षा करता है? सांस्कृतिक मूल्य बदल रहे हैं सोसाइटी के साथ साथ। इसलिए मैंने आपसे बताया हमारी संस्कृति में पूजा की विधि गृहस्थ के लिए, गृहस्थ का दूसरा काम है दान की विधि। मैंने अभी आप थोड़े समय पहले बताया कि दान गृहस्थी में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ये दान और त्याग जो है ये यज्ञ है, सच पूछो तो, कि आप अपने छोटों के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने गुरुकुलों के लिए, अपने विद्यालयों के लिए, अपने चैरिटी के लिए आप कुछ न कुछ दान करते हैं, ये गृहस्थी तो करता है। हाँ एक बात ध्यान रखना, आजकल लिखा होता है नक्कालों से सावधान, इसलिए गीता में एक उपदेश दिया, देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। आप वो दान सात्विक दान है जो देश काल और पात्र में दिया जाता है। हाँ एक बात और इसके साथ, दातव्य में यदि दानम दिए तो अनुपकारिणे, जो आप दान दे रहे हैं वो इस भावना से दें कि आपने देना है, अनुपकार की भावना से, ये मेरे भले जगह काम आ जाएगा इसलिए मैं इसका सत्कार करूं, उसको कुछ दे जाऊं, गिफ्ट ले जाऊं। जैसे आजकल दिवाली पर लोग किसी अफसर से काम लेना हो तो उसके घर पहुंचते हैं गिफ्ट लेकर के, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहां तो कहा गया दातव्य में दानम देते अनुपकार ले, उपकार की भावना से नहीं, कुछ बदले की भावना से नहीं तो कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा, देना है। और इसीलिए विवाह में दूसरी महत्वपूर्ण विधि दान की है, वस्त्र दान, कपड़ा दिया जाता है, गऊ दी जाती है, और अब तो जो कन्या का भी लोग दान कहते हैं, वो हमारी शास्त्रीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा वही जायते पुत्र अपना, साक्षात आत्म बलिदान है ये। तो इसलिए मैंने आपसे कहा ये पाणी ग्रहण से पहले की विधियों में हमारी संस्कृति में गृहस्थ में ये सारी चीजें हैं। और एक और होता है बड़ा महत्वपूर्ण, मैं आपको बता दूं, शादी में जब विवाह करते हैं तो एक शिलारोहण होता है। शिलारोहण में क्या होता है कि पत्थर पर लड़की का पैर रखवाया जाता है, आरोहम असमानम असमेव तुम स्थिराभव, हे देवी तुम इस पहाड़ पत्थर पर चढ़ो, वो कहती मैं चढ़ती हूँ और तुम इसी की तरह हो जाओ, पत्थर की तरह। पत्थर का मतलब क्या है? पत्थर न सर्दी में सुखड़ता है, न गर्मी में पिघलता है और न बरसात में गलता है, बड़ा कठोर है, एकदम जमा रहता है, जिंदगी में हार और जीत आती रहती है, जीवन के अविराम समर में हार कभी है जीत कभी, कभी पराजय का रोना है गाना जय के गीत कभी। ये तो जिंदगी है, इसमें हार जीत, सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी, व्यापार में अब जैसे कोरोना का समय आ गया, बड़े बड़ों को संकट आ गया, कहते हैं ये बड़ी चीज है। और इसमें कहा कि ये जो गृहस्थ आश्रम है ये पहाड़ की चढ़ाई है, स्टोन का जो टुकड़ा है, पीस ऑफ स्टोन है, कहते हैं ये तो उसका सिंबल है पहाड़ का। और इस पर चढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए संगठन। तो पति हाथ, भाई हाथ लगाता है पैरों को उस पर रखवाता है, मेरे बल तेरे साथ है। तो गृहस्थ कोई भी काम करने के लिए, गृहस्थ में कितने बढ़िया बढ़िया उपदेश है कि आप बहन के लिए सदा सहयोगी बने रहेंगे तो उसका गृहस्थ में बल अपने ससुराल में बना रहेगा। तो जो उसका ससुराल का बल है वो आपका बल उसके साथ जुड़ा है तब है। हमने तो कर दिया कन्यादान, किस्सा खत्म हो गया, तू जाने हम जाने, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हालांकि हमारी संस्कृति में ये भी है, दुहिता दुरहिता दूरे हिता, कन्या को दूर रखने में ही हित है उसकी, उसका भी एक दर्शन है। आचार्य पंडित विश्वनाथ शास्त्री कहा करते थे, अरे लड़की बहुत दूर ब्याही है, और अब तो टेलीफोन का जमाना आ गया, तत्काल समाचार आ जाता है, उस वक्त ऐसा है जब तक चिट्ठी लिखेगी, खबर भेजेगी, और जब पीहर वाले जब तक आएंगे तब तो दोनों में सुलह हो जाएगी।
हम लोग कहे क्या बात है, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे आपको याद कर रहा, आगे ठीक आ जाओ भैया। तो बहुत चिंतन हमारे ऋषियों का बड़ा अद्भुत था। तो हमारे यहाँ कहा गया कि जो पत्थर है इस पर चढ़ना है, तो इसका मतलब है आपको धैर्य। धृत क्षमा दमोस्तयम शौच मंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। दस धर्म के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण धृति है। विपद धैर्य मथा हृदय क्षमा सदस्य बाग पटुता युधि विक्रमा यशस्य चापि रुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। विपद धैर्य, गृहस्थ आश्रम से बड़ा और कोई धैर्यशाली हो नहीं सकता। किसी और पर संकट आ जाए तो भी गृहस्थी काम आता है, और अपने पे आ जाए तो भी वही भुगतता। इसलिए कहते हैं विपत्ति में धैर्य रखना, ये गृहस्थ के लिए सारे उपदेश है। अभ्युदय क्षमा, और भगवान आपको अभ्युदय दे तो क्षमा का भाव रखना है। इसलिए कहा गृहस्थी में जो पत्थर पर पैर रखवाया वो बड़े कितने कितने संदेश है, गजब गजब के संदेश हैं। उन तमाम संदेशों की चर्चा करेंगे तो ये बहुत विस्तार हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण विधि रखी, वो है पंच महायज्ञ विधि। ये पंच महायज्ञ क्या है? तो सारे दिन यज्ञ करता रहेगा, रोज पांच यज्ञ रोज करने, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलवेश देव यज्ञ, और नाम है एक और अतिथि यज्ञ। ये पांच यज्ञ रोज करना, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। जो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ का मतलब है गृहस्थ को नित्य स्वाध्याय करना है। दो अर्थ है ब्रह्म यज्ञ के, एक अर्थ है संध्या करना और एक अर्थ है स्वाध्याय करना। संध्या और स्वाध्याय दोनों ब्रह्म यज्ञ है। ये जो ग्रस्त करता है दोनों चीजें, आप तय समझ लो उस ग्रस्ती पर कोई संकट आ नहीं सकता। एक तो परमात्मा का रोज धन्यवाद करे, संध्या करे, और एक रोज स्वाध्याय करे। स्वाध्याय से आपका बुद्धि बल आत्मबल बढ़ेगा, और जो आप संध्या करेंगे उसे परमात्मा आपको शक्ति देगा, आपके साथ जुड़ा है। जब सर्वशक्तिमान आपके साथ जुड़ा है फिर आप अशक्त कैसे हो सकते हैं? तो सर्वसर्मान सर्वशक्तिमान की शक्ति अपने साथ रखने के लिए आप रोज संध्या करेंगे। अब संध्या आप कौन सी करेंगे वो आपके ऊपर है। आप वेद के मंत्रों से करेंगे, कि आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कि शिव स्तोत्र पढ़ेंगे, कि दुर्गा स्तोत्र पढ़ेंगे, वो सब आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखना वेद, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद तो सर्वोपरि है। अगर वेद मंत्रों से करेंगे तो बहुत आनंद करेंगे, प्रभु की भाषा है उनके, बड़ी प्यार से समझ में आएगी। इसे ध्यान रखना, ये पहला है ब्रह्म यज्ञ, पढ़ना और पढ़ाना। माताएं आजकल सोचती हैं कि बालक को, हमारे यहाँ तो तीन गुरु होते थे, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, और इसलिए जो धागा यज्ञोपवीत का है उसमें तीन धागे पहनाते, तो उसमें तीन ऋण की बात करते, एक ऋषि ऋण है, एक पितृ ऋण है और एक देव ऋण है। इन तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के लिए आप यज्ञोपवीत पहनाता था आचार्य अपने गुरुकुल में, बेटा ये तो तुम्हारे पास कर्जा है उनका, ये सारे जीवन उतारने की कोशिश करनी है। परंतु आज बड़ा कठिन काम है भाई, ये जो ब्रह्म यज्ञ है इसमें किसी का स्वाध्याय की बात गृहस्थी से करो तो कहेंगे पंडित जी आपको तो कोई काम है नहीं, ये भाषण देना ही आपका काम है, पढ़ने लिखने का ही आपका काम है, तुम्हें पढ़ लो ना, हमें तो सिर्फ कथा वाच दो तो नहीं बहुत। तो ध्यान रखना कि कथा वाचक भी अध्ययन तब करता है जब श्रोता, क्योंकि श्रोता उपनिषद में लिखा है श्रोता वक्ता च दुर्लभ, वक्ता उतना दुर्लभ नहीं होता जितना श्रोता दुर्लभ होता है। हम और राजीव जी रोजाना कंप्यूटर लगाते हैं मेरे लिए, कभी कभी तो श्रोता एक ही होता है, तब हमारी जो प्राण शक्ति है ना वो शिथिल हो जाती है। हम कहे राजीव जी आज तो एक ही आया, और वो भी कहते हैं गुरु जी जल्दी निपटा लो 15 मिनट में। लो पूरा दिन हमने प्रतीक्षा करी, तैयारी करने के बाद हम कहा चलो कुछ आज विशेष चर्चा करेंगे, तब उन्होंने हमारे उत्साह भंग कर दिया और कह दिया तो गुरु जी अब कल कर लेना, आप भी आराम करो हम भी आराम करें, है तो दोनों आराम करें। ये जो स्थिति है ये गृहस्थ के लिए तो कहा नित्य स्वाध्याय करे, नित्य स्वाध्याय का मतलब है ब्रह्म यज्ञ रोज करे, रोज स्वाध्याय करे, रोज संध्या करे, ये ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ।
देव यज्ञ के भी दो भेद हैं, एक चेतन देवताओं का यज्ञ, एक जड़ देवताओं का यज्ञ। जो समझो आप, चेतन देवता है माता पिता और गुरु, इनका सत्कार करें। सवेरे उठते ही बिस्तर से सबसे पहले तो इनके पैर छुए, और राम के चरित्र में ये बात बताई गई है। तो हम एक तो बड़ों का सत्कार करें देव यज्ञ में, ये हमारे देवता हैं, और दूसरे हैं जड़ देवता। जड़ देवताओं में वृक्ष है, नदी है, और कहने में आपका चंद्रमा है, वायु है, पृथ्वी है, ये सब भी देवता है। कहते इनका कैसे सत्कार करेंगे? तो हमने क्या किया, तुलसी का पौधा लगा लिया और तुलसी की शादी करी, और तुलसी की शादी करी उसको चुन्नी पहनाई, और चुन्नी पहनाई तो फिर उतारी नहीं, अब तो शादी हो गई, नंगी कैसे रखे तुलसी को? सोचना ध्यान से, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि तुलसी नष्ट हो गई, क्योंकि उसको हवा लगी नहीं, सूरज का प्रकाश लगा नहीं, वो मुरझा गई। तो पड़ोसन को कह रही है, हम तो उसकी शादी भी कर दी है तो फिर भी नाराज हो गई। आप जरा विचार करो भैया मेरे, वो वृक्ष है, वृक्ष का सत्कार कपड़ा पढ़ा के नहीं करना है, उसको जल देना है, उसमें खाद गऊ के गोबर की खाद देनी है, उसमें और सब है, उसको निराई करनी है, गुड़ाई करनी है, ये उसकी सेवा है। तो हम वृक्ष की सेवा आदमी की तरह कर रहे हैं, पीपल को लड्डू खिला रहे। मेरे पड़ोस में बाहर सड़क पर पीपल है, वहां एक एक किलो लड्डू पड़े रहते हैं, अरे पीपल तो खाएगा नहीं। हमारी मूर्खता और जहालत की भी हद है। उनको किसी ने कह दिया पीपल पे धागा बांध दो, अब सारे पीपल को धागा बांध दिया। मैं गाजियाबाद जाता था पढ़ाने, दिल्ली से एक साल तक गया, तो ये कुछ बस्तियां पड़ती थी, वहां एक बेरी का पेड़ था, तो बेरी के पेड़ पे किसी ने वो चुनिया बांधना शुरू करी, इतनी चुनिया बांधी, इतनी चुनिया बांधी सारे मोहल्ले ने, तो वो बेचारा सारा पेड़ सूख गया आखिर। तो प्राण ले लिया आपने तो जड़ देवता के, ऐसा नहीं करना। वृक्ष की हर चीज आपके काम की है, इसलिए वृक्ष देव को पालना है। हमारे यहाँ आज विज्ञान कह रहा है जब इस बात को, वृक्ष लगाओ और प्रकृति बचाओ, तब हम जाकर के हमारी हमारी कुछ जागृति थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। अल्टीमेटली मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो वृक्ष की पूजा वृक्ष की तरह करनी है, जल की पूजा जल की तरह करनी है। मेरे बहू के बेटा नहीं होता है, इसलिए मैं कद्दू चढ़ाया, लौकी चढ़ा के, तोरी चढ़ा के आ गया गंगा जी में। अब पानी में पड़ेगा फल तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो पानी गंदा होगा, फल बेकार हो गए। तो हम ऐसे ही गलती नहीं करें, गंगा जल को देवता मान करके उसका सत्कार करें, उसको गंदगी नहीं होने दें। ये जल की पूजा है, जड़ देवता की पूजा है, और वायु देव का भी पूजा है। देखो बिना मतलब गाड़ी बाहर नहीं निकालनी। हमारे तो डायरेक्टर जो हैं हमारे भवन के, वो कहते हैं पानी में हाथ जब धो तो वो वाला नलका लगाओ, तुरंत बंद कर दो। आप बिना मतलब का पानी खोल कर भला 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 भला, काम वालियां आती हैं पूरा टंकी खोल देती फुल स्पीड से, और उसके नीचे बर्तन रख दी, भरर 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 भरर, और सब पानी बर्बाद कर दिया। पानी की रक्षा करनी है, ये जल को शुद्ध भी रखना है, जल को सुरक्षित भी रखना है, ये जड़ देवता की पूजा है। मैं इसी तरह से आपको बता रहा हूं, ये पृथ्वी की पूजा, पृथ्वी को गंदा होने से बचाना है। मैंने एक बार शायद कोई घटना आपको सुनाई थी, एक कहानी आपको सुना देता, पहले वो लोग दूसरे थे, आप लोग दूसरे, एक आध पुराने हो तो बर्दाश्त कर लेना। हाँ, एक व्यक्ति इस संसार से चला गया, यमाचारी उसको ले गए, यमाचारी के लोग, और उन्होंने यम के सामने उनके सामने उपस्थित कर दिया। बोले प्रभु हम ले आए इनको, देवदत्त जी को। बोले हाँ तो क्या करूं? बोले प्रभु ये कह रहे हैं मुझे स्वर्ग में जाना है। बोले ले जाओ स्वर्ग को, हमारे पास कहाँ कमी है, यथेच्छम भव। तब उन्होंने कहा स्वर्ग जब जाने लगे तो वहां सारे बैठी हुई थी सभा, सभा में से एक देवी खड़ी हुई, उस देवी ने कहा ये स्वर्ग नहीं जा सकता, देवदत्त तो स्वर्ग नहीं जा सकता। उन्होंने माता जी मैं तो आपको जानता नहीं, आप मेरी क्यों नाराज हो रही हो? उन्होंने कहा मेरा नाम है वसुंधरा, वसुंधरा समझते ना, वसुंधरा किसको कहते हैं, पृथ्वी को, वसुंधरती थी वसुंधरा, वसुओं को रत्नों को धारण करती है, है? हमारे यहाँ रत्न का मतलब वो जो आजकल दुकानें खोल रखी होती ना, वो रत्न ले जाओ रत्नों की दुकान, हमारे यहाँ कहते हैं कि पृथ्व्याम तीन रत्नानी, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, तीन ही रत्न हैं, एक जल, एक अन्न और एक सुभाषित अच्छी वाणी। कहते हैं मूर्ख जो लोग हैं पाषाण खंडे सूर संज्ञा विधीयते, वो तो मूर्ख लोग जो हैं वो पत्थर के को ही रत्न समझते हैं। हम ध्यान से सुन ले, ये हमारे रत्न हैं, इनकी सावधानी करनी है, हम उस सावधानी को भूल जाते हैं।
इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो देव यज्ञ है इसमें जड़ और चेतन दोनों देवताओं का आपने सम्मान करना। एक बात, माता पिता के सम्मान के प्रति तो मैं क्या कहूं, मेरे पास वो तो अलग से एक भाषण है पूरा, उसका मेरे पास समय नहीं है। यम माता पितर उक्लेशम सहेते संभवे ऋणाम नतस्य निष्कृति सत्या कर्तुम वर्ष सतैरपि। 100 वर्ष तक भी आप माता पिता की सेवा करेंगे तो आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। घड़ी बहुत तेजी से आगे जा रही है और मैं फटाफट फटाफट बात को निपटाता हूँ। तो गृहस्थ आश्रम में ये देव यज्ञ, और फिर तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ, वो तो माता पिता के, उसका दो भाग है, श्राद्ध और तर्पण। कई बार तो मुझे लोग कहते हैं आप आर्य समाज के व्यक्ति हैं, आपके नाम के आगे आर्य लगा है, श्राद्ध की बात करते हो। मैंने कहा मैं तो श्राद्ध ही खाता हूँ भाई। बोले 15 दिन होते हैं, फिर सारे साल क्या करते हो, 365 में से 15 निकाल दो तो 350 दिन क्या खाते हो। हम कहा हम तो तब भी श्राद्ध खाते। अब तो बोचारा आश्चर्य में पड़ गए। जरा ध्यान से सुनना, श्रद्धया यद दीयते, श्रद्धया यद श्रूयते, श्रद्धया यद कथ्यते, तत् सर्वम श्राद्धम। जो मैं आपसे श्रद्धा पूर्वक सुना रहा हूं और आप जो श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हो, अब श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हो तो आप मेरा श्राद्ध कर रहे हो, और मैं श्रद्धा पूर्वक आपको सुना रहा हूं तो मैं आपका श्राद्ध कर रहा हूं। नाराज मत होना। और श्रद्धा पूर्वक कुछ मैं कह रहा हूं तो वो भी श्राद्ध है। तो ये श्रद्धा का भाव है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से भाव में, भाव अर्थ में बना है, इसलिए ध्यान रखना। हमने उसका अर्थ कर लिया कि जब माता पिता हमारे दुनिया से चले गए और उसके बाद हमने पंडित को बुला करके भोजन कराया और हमने सोचा पंडित का जो स्टमक है दैट इज लेटर बॉक्स, उसमें डालो चिट्ठी वहीं पहुंच जाएगी। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि कौआ आ गया, मंडेरी पर बैठ गया, तो उनका आ गए आ गए आ गए, कौन बोले पिताजी, अबे तेरे पिताजी कौआ बनाए थे ना, कुछ और बना लेता, समझे। तो ये जो हमारी वृत्ति है ये बड़ी अद्भुत है। इसलिए श्राद्ध का मतलब है जीवित माता पिता को मन वचन कर्म से श्रद्धा से उनकी सेवा करना, और तर्पण का तृप्त करना वाणी से। और भैया उसके बावजूद भी अगर उनकी आज्ञा पर आप चलते हो तो भी श्रद्धा है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया देव यज्ञ, पितृयज्ञ और उसके बाद अतिथि यज्ञ। अतिथि तो अतिथि के विषय में ज्यादा कुछ कहता नहीं, केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ। तो मैं बता रहा था वो यमाचार्य ने कहा कि भाई तुमको भेजा है स्वर्ग, तो उसने मती वसुंधरा ने कहा कि नहीं नहीं ये स्वर्ग नहीं जा सकता, इसमें मेरा कर जाए। बोले क्या कर जाए तुम्हारा। बोले इसने जो है जब से मेरी गोद में आया है तब से इसने फल फ्रूट ड्राई फ्रूट बादाम पिस्ता सेब संतरा अनार गेहूं जौ चना मटर ये सब उसने मुझसे पाया, और मुझे माताजी कहता था ये, और इसके बदले में इसने मल मूत्र से मुझे गंदा किया, कोई कोशिश नहीं की पृथ्वी को शुद्ध करने की। बोले माताजी फिर, बोले इसको दंड दो। बोले क्या दंड दें। बोले सूकर बना दो, पृथ्वी साफ करेगा, सूअर बना दो। अब बेचारा सूअर क्या खाता है आपको पता ही है, सब गंदा साफ करता है। आ गया कुछ सालों बाद, सूअर की मौत हुई, तो बोला प्रभु बहुत खतरनाक काम दे दिया आपने, मैं करके आ गया, खैर अब तो मुझे स्वर्ग जाने दो। बोले जाओ, हम तो पहले मना नहीं करा। फिर जब उसको भेजा तो दूसरा देवता खड़ा हो गया। तो बोला आपका नाम। बोले मेरा नाम है पवनदेव। आपका क्या है। बोले इसने हमेशा हर श्वास में मुझे प्राण के रूप में ग्रहण किया और बाहर अपान के रूप में दिया। इसने ऑक्सीजन के रूप में मुझे ग्रहण किया और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ा। ये मेरा कर्जदार है। बोले तुम्हारा कर्जा कैसे निपटेगा। बोले ऐसा करो पीपल का पेड़ बन जाओ, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देगा। उन पेड़ों में भेज दिया जो ऑक्सीजन देते थे। हजारों वर्ष बाद लौट के आया, बोले प्रभु अब तो चला जाऊं। एक तीसरा देवता खड़ा हो गया। उन्होंने कहा भाई जी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। प्रभु ऐसा करो यमाचार्य जी मुझे एक ही बार भेजो जहां भेजना है, चाहे 100 चाहे 1000 वर्ष लग जाए, फिर जब आऊं तो स्वर्ग भेज देना। तब उन्होंने कहा अच्छा मैं पूछता हूँ, ऋषियों से पूछा भाई क्या करें। तो उन्होंने कहा स्वर्ग काम हो यजेत ई जाना स्वर्गम जानते लोकम, अगर इसे स्वर्ग जाना है तो ये यज्ञ करें। यज्ञ का मतलब क्या है। यज्ञ का मतलब है आप जब अग्नि में आहुति देते हैं तो सुगंधि सारे संसार में फैल जाती है, घृत से सामग्री से समिदा से। जब आप यज्ञ करते हैं और वेद का मंत्र पाठ करते हैं तो आप धरती को स्वर्ग बना देते हैं। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा आपको इस विषय में की, पंच महायज्ञों को संक्षेप संक्षेप से कर दिया। और एक बलवश देव यज्ञ है, उसका मतलब है भोजन में से कुछ दूसरे प्राणियों के लिए निकाल कर देना। वैश्व देव का मतलब है संपूर्ण देवता, इन देवताओं को प्रसिद्ध देवताओं को छोड़कर अप्रसिद्ध देवता चींटी देवता कौआ देवता और गैया देवता, इन तमाम प्राणियों को पक्षियों को भी आपके ही सहारे हैं,
उनको सब ये बलवश देवे। तो पंच महायज्ञों का प्रावधान हमारे गृहस्थ के लिए किया। बस 5 मिनट बाकी है, फटाफट से 5 मिनट में सन्यासी और वानप्रस्थ को निपटा देता हूँ। ये जो वानप्रस्थ है हमारे, मैंने पहले आपको बताया ब्रह्मचर्य समाप्य ग्रही विवेक ग्रही भित्वा बनी भवेत। अब देखो अब जमाना बदल गया। वन में जाने का मतलब क्या था, वानप्रस्थ आश्रम में वो जाएगा तो वहां जो गृहस्थ में उसका स्वाध्याय छूट गया उस स्वाध्याय को करेगा और गुरुकुल आदि में जाकर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा, भोजन आदि की उसकी जरूरत है वो गुरुकुल पूरा करेगा। तो अब वानप्रस्थ का समय समाप्त हो गया। वैसे वेद में यह भी व्यवस्था है, यही वस्तम मा व्यष्टम विश्व आयुर्वेशंताम क्रीडंत पुत्री नत्र भीर मोद माने स्वीगृह, यही रहो कहीं मत जाओ, विश्व आयुर्वेशंताम सारी आयु उसी में व्यतीत कर दो गृहस्थ में, क्रीडंत पुत्री ही अपने पुत्रों में नातियों में खेलो अपने घर में रहो। ये वैकल्पिक है दोनों आश्रम, संन्यास और वानप्रस्थ, और गृहस्थ और ब्रह्मचारी ये दोनों आवश्यक ग्रस्त नियम है। वैसे तो शतपथ ब्राह्मण में ये व्यवस्था है कि ब्रह्मचर्य से भी अगर परम वैराग्य है और पूर्ण वैराग्य और पूर्ण विद्वत्ता है तो ब्रह्मचारी से सीधा सन्यासी हो सकता है, नहीं तो ब्रह्मचर्य में समाप्त ग्रही भवेत, ग्रही भूत्वा बनी भवेत और बनी भूत्वा प्रवर्जित। तो वानप्रस्थ आश्रम में आप स्वाध्याय करेंगे जो भूल गए हैं, और स्वाध्याय को पूरा करने के बाद जो सन्यास है उसमें तो भाई से एक सीधी बात है, मोक्ष की तैयारी करने, छूटने की तैयारी करनी है। हम शरीर अब दुखों से भरने वाला है, उनसे भी छूटना है और संसार से भी छूटना है, नानक दुखिया सब संसार, इससे बाहर कैसे निकलना है, तो उसके लिए उसको मोक्ष की तैयारी करनी है। 4 साधन है, विवेक है, वैराग्य है, समाधि सटक संपत है, मुमुक्षुत्व है। इन 4 लाइन पर चलता जाएगा तो मोक्ष के रास्ते में जाएगा। सन्यासी का मतलब निस्तानी सर्वाणी कर्माणी, सभी जो अभीष्ट कर्म है उनको वो त्याग देता है, सभी रिश्ते नातों को त्याग देता है और उसके बाद केवल एक ही रिश्तेदार बचता है, उसका नाम है परमात्मा। परमात्मा को रिश्तेदार बना करके और उसी से सरा बंधु जनता सविधाता धामान वेद भवनान विश्वा, वाह प्रभु आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही जनता हैं, आप ही विधाता हैं, इस भाव को लेकर के वो जाता है, भिक्षाचर्या करता है और जीवन व्यतीत करता है। बातें तो मेरे पास बहुत हैं लेकिन हमारे पास समय 2 ही घंटे का था, हमने 2 घंटे में आपको वर्ण और आश्रम इस 2 की व्यवस्था की। ये हमारे सामाजिक उन्नति के 2 मूल पिलर थे जिस पर सारी समाज की दीवार खड़ी थी, दुर्भाग्य से दोनों पिलर हिल गए, वर्ण व्यवस्था भी बिगड़ गई, आश्रम व्यवस्था भी बिगड़ गई, इसलिए हमारी संस्कृति पूरी की पूरी अब बिगड़ गई। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम संस्कृति के मूल्यों को समझें, समझकर उसके दर्शन को उसके विज्ञान को समझें और फिर जीवन में आचरित करने की कोशिश करें। अब आश्रम पर जब आपको शंका किसी को है वो मुझे करें, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा मटेरियल है, उतना मेरे पास करने का समय नहीं है। मैंने कई मंत्र गृहस्थी के जो सामने रखे थे वो मैंने छोड़ दिए, क्योंकि घड़ी बराबर बराबर आगे बढ़ी चली जा रही है, 2-3 मिनट हैं, आप लोग चर्चा कीजिएगा। हाँ जी राजीव शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा जी, अनूप जी, जो कुछ मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं, वैद्य जी, हरि सिंह जी, ऋषि महर्षि हरि सिंह जी, पूज्यपाद और मैडम क्या है ये माँ शर्मा, और आपने कुछ प्रश्न कीजिएगा। एक्चुअली सर एक बार जरा रिपीट कर दीजिएगा, सीरियल वाइज जो आश्रम है, है जी जो सीरियल वाइज जैसे शुरू से जो आश्रम है ना सर, जैसे ब्रह्मचारी, एक बार सर इसको प्लीज जरा रिपीट कर दीजिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 25 साल का ब्रह्मचर्य, 25 साल का गृहस्थ, 25 साल का वानप्रस्थ और 25 साल का संन्यास, ये 100 सालों को हमने डिवाइड किया है, जिसमें 2 कंपलसरी है, व्यक्तिनिष्ठ वर्ण है, मतलब ये आश्रम है, एक है ब्रह्मचारी, गृहस्थ कंपलसरी है और वानप्रस्थ और संन्यास ऑप्शन है। अच्छा ये सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वानप्रस्थ एंड संन्यास? वानप्रस्थ में तो वो कर्मकांड करेगा, हवन करेगा, पूजा करेगा, समझे, और सन्यास में वो भी नहीं करेगा। अच्छा जी, अच्छा, वो कारण है उसका, सन्यासी का मतलब परिव्राज, वो घूमेगा जगह जगह, तो कहाँ सामग्री हवन कुंड लेके जाएगा, वानप्रस्थी तो वन में रहेगा ना अपने कुटिया में, तो सन्यासी की तो कुटिया भी नहीं है, वो तो घूमता रहेगा सर। जी हाँ जी हाँ जी। और कोई प्रश्न करिएगा। आयशा चौधरी जी, हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार।
धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने जैसे कि आज सारा सोसाइटी वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ाया, अगर अब हमें वेद में जाके पढ़ना हो और मंत्र देखना हो कि कौन कौन से मंत्र हैं, तो वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसा है मैडम, इस पर सारे ग्रंथ हैं। जैसे मैंने इसको तैयार किया है तो मैंने बहुत सा मटेरियल सारे ग्रंथों से लिया। मेरा तो ऐसा भी है कि भाई कुछ मेरी तैयारी भी है पहले से, मैं यही जी करता रहा हूँ पढ़ते पढ़ने पढ़ाने का काम, तो मैं आपको मटेरियल दे दूंगा। हाँ, अगर आप इस ग्रुप पे मटेरियल भी थोड़ा कुछ डलवा किताबों दें के तो नाम बहुत बता अच्छा दीजिए किताबों का आर्या नाम जी, बता देते हैं। आर्या जी एक, कुछ किताबों के नाम हाँ, जी। कुछ किताबों का नाम बता देता हूँ। एक जो है डॉक्टर द्विवेदी है, कपिल देव कपिल देव द्विवेदी। तो वैदिक संस्कृति और साहित्य करके उनका ग्रंथ है, वो आप ले हाँ सकते हैं। और भी कई ग्रंथ, संस्कार विधि में चारों आश्रमों की बढ़िया वर्णन है, स्वामी दयानंद रचित है। बहन जी को जी सादर प्रणाम, मैंने पहले भी किया था। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। एक और चीज मैं पूछना चाहती थी कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कक्षाओं में ऐसे चर्चा हो जो वेद के जो मंत्र बाय मंत्र ही चर्चा कर पाए हम? जैसे आपका कुछ क्लासेस हमने हमने अटेंड एक किया अलग दिल्ली कोर्स में, रखा हुआ वैसे है, होता था। हमने वेद का एक कोर्स रखा हुआ है, उसका अच्छा 1,000 एक साल की फीस है। उसमें हम मंत्रों को भी पढ़ाते हैं, उसमें हमने सिलेक्टेड अच्छा सूक्त तो रखे हुए हैं। और फिर आप जैसे आए क्लास में, जी आपने को प्रश्न किया तो हम उसे रेफरेंस निकाल के दे देते हैं, यहाँ ये है, तो वो भी हमारे पास अच्छा ठीक है। तो उसका जानकारी कहाँ से मिल सकता है? राजीव जी से मिल आप जाएगा? राजीव पत्रा जी से मिल जाएगा और हमसे भी ले लो आप जो चाहें। बेंच सचिव प्रभा जी हमारी डीन है, हमारी सबसे नया बड़ी सत्र अधिकारी है। देखिए, अब हमारा नया सत्र अप्रैल से शुरू होगा, नया सत्र। अच्छा ठीक जी है तो उसमें वेद ठीक है, है गीता है, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है सरल ठीक है संस्कृत है, सरल संस्कृत है, गीता है, वेद है पौरोहित्य है जी, जी पौरोहित्य ठीक है। है। यज्ञ कर्म कांड अच्छा भी ठीक सिखाते हैं अलग से, हम यज्ञ करना है ठीक है। धन्यवाद, जी थैंक आदरणीय बहन जी को प्रणाम और उनका आशीर्वाद। नमस्ते सबको, नमस्ते। तो नमस्ते। अभी अगले सप्ताह भी आपकी कक्षा है विषय जी, और अब अगले सप्ताह आपकी अंतिम है, फिर दो कक्षाएं और बचेंगी, वो डॉक्टर यामिनी गौतम जी लेंगी, और विषय आपको हर बार बता दिया जाएगा। तो फरवरी के चौथे सप्ताह में ये खत्म हो जाएगा हमारा ये वाला पाठ्यक्रम जो है। तीन शनिवार मैडम अभी और चलेंगे, तीन शनिवार और चलेंगे अभी। अगले एक शनिवार का शनिवार, अगला आगामी शनिवार डॉक्टर आर्य लेंगे, और उसके बाद जो दो शनिवार हैं 13 फरवरी और 20 फरवरी, वो डॉक्टर यामिनी गौतम जी लेंगी। तो आप इन तीन मैडम में जरूर अपना आए, अगला जरूर अगले विषय की चर्चा भी बता दीजिए। जी। अगला विषय तो आपका है कि वैदिक संस्कृति का वर्नाक्युलर, उस पर प्रभाव क्या है, तो आप उसको ले सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और संस्कृत का क्या योगदान रहा, उसमें वैदिक विचारधारा ने कितना प्रभावित किया, कितना योगदान दिया। राष्ट्रीय भावना तो वैदिक विचारधारा, वैदिक संस्कृति ने भाषा हिंदी और संस्कृत भाषाओं के माध्यम से, और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले गुरुकुलों के स्नातक थे, आर्य महिलाएं थीं, तो वैदिक विचारधारा कहाँ से प्रारंभ हुई और आधुनिक युग तक उसने हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। मतलब वैदिक विचारधारा का जीवन पर प्रभाव, ये विषय है बहुत आधुनिक जीवन पर। आधुनिक जीवन पर मैडम मैं कुछ चीज जानना चाहूंगा जी, कि फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे? कौन सी फिजिकल? वो तो फिजिकल देखिए, वो भारतीय विद्या भवन डिसाइड करेगा, वो जब होगा हम आपको सूचना दे देंगे। तो अभी कुछ मैडम जल्दबाजी कुछ मतलब एक्सपेक्टेड है अभी जो चल रहा है, जो सिनेरियो जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है? अभी तो जो चल रहा है मुझे लगता है अभी चलेगा, लेकिन अगला अच्छा सत्र जो हमारा अप्रैल से प्रारंभ होता है, तब तक आशा करनी चाहिए कि तब जी शायद फिजिकली क्लासेस होने लगे। जी अप्रैल से मतलब शुरू होगा? मैं नहीं, वो तो मैं और अनुमान कर रही हूँ, नहीं उससे अच्छा पहले जी भी हो सकता है, मगर मैं जी जी अनुमान कर रही हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम कर पाए, जी क्योंकि ये तो जी किसी जी के भी हाथ में नहीं है, जी ये तो मैम ऊपर एक्चुअली से जब मैम निर्देश आएगा तभी कुछ हम कर पाएंगे। अभी तो मैम स्कूलों में भी स्टार्ट कर दिया 5th क्लास 5 फरवरी से हाँ, जो है। लेकिन अभी अभी उसकी अटेंडेंस तो पूरी नहीं है ना, अभी तो लोग नहीं, डरे नहीं, हुए नहीं। हैं, वहाँ पे 10% है।
तो अभी शांति पाठ करेंगे और समाप्त करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः सबको नमस्ते, सबको नमस्ते, नमस्कार।